<laughs> जय हिंद एवरीबर्न जय हिंद सचिन समृद्धि बेटा जय हिंद जय हिंद जय हिंद वेलकम चलिए कैसे हैं आप सब लोग जय हिंद एवरीबर्न जय हिंद चलो बताओ जरा फटाफट से मुझे आपने अभी तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इंग्लिश में जो बेसिक रूल पढ़े थे उसमें कब आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है यस और नो ठीक है चलिए वी आर गुड थैंक यू वेरी गुड चलो बहुत बढ़िया ठीक है तो आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लास्ट डे आज खत्म करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्यों अच्छा समृद्धि बेटा आपकी तो क्लास चल रही होगी ना फिर आप यहां पे कैसे आपकी तो एप्लीकेशन पर क्लास चल रही है ना जिसमें आप पूरा बेसिक से थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, हैं क्यों समृद्धि सही बोल रहा हूं ना चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सर अभी तक हमने जो हमारा डेली शाम को इवनिंग में साढ़े तीन से छः बजे तक जो क्लास चलती है उसमें हमने इंग्लिश का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें अभी तक हमने बहुत सारे रूल किए थे जिसमें कल वाले जो रूल थे हमारे कल हमने कौन कौन से रूल किए थे कल हमने रूल किए थे एक तो मैनी ए एंड मैनी एन का यूज देखा था ठीक है उसके साथ साथ चलिए डी शाहू सर आई एम सिस्टर ऑफ एकलव अच्छा अच्छा ओके समृद्धि ओके बेटा चलो एकलब की सिस्टर है समृद्धि बेटा बहुत बढ़िया एकलब कहाँ है भाई आज उसने तो बहुत सारे जवाब सवालों के जवाब दिए थे कर दो सर चैट्स को पॉपअप कर दीजिए चलिए राम सेवक शर्मा जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर कल हम सिंगुलर एंड प्लुरल फ्रैक्शन का किया था हाँ उसी पे आ रहा हूँ बेटा सिंगुलर एंड प्लुरल फ्रैक्शन पे ही आ रहे हैं ठीक है तो मैनी ए एंड मैनी एन का यूज देखा था उसके साथ साथ आ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ का यूज देखा था और उसके साथ साथ हमने कल यूज ऑफ फ्रैक्शन को लिखना सीखा था ठीक है गुड इवनिंग गुड इवनिंग डी शाहू गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए तो क्या आप लोग एमसीक्यू करने के लिए तैयार हैं फिर एक क्वेश्चन हो जाए मैं क्वेश्चन मतलब कंप्लीट कहीं से भी पूछ रहा हूं आज ठीक है चलिए क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता हूं मैं आज कहीं से भी मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जितने भी आपको रूल पढ़ाए हैं उसमें से आपके पास में एक एबीसीडी बेस पे एक एमसीक्यू पुट करूंगा और आपको उसका आंसर करना है ठीक है और सब मैंने पहले ही बोला था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मंडे को थ्री थर्टी टू सिक्स का पूरा एरर स्पॉटिंग का एंड द ब्लैंक्स का आपका यहां पे सोल्यूशन होगा क्लास में चलिए गुड इवनिंग बर्थिका बेटा कैसे है ठीक है चलो क्वेश्चन करते हैं फिर सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं माई टीचर माई टीचर एज वेल एज माई फ्रेंड्स ठीक है आर माई टीचर्स एज वेल एज माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट की ठीक है और लास्ट में क्या हो जाएगा कल आपको याद होगा ना कि सर ने एरर स्पॉटिंग कल हमें कैसे कराई थी तो लास्ट में वही आपको एमसीक्यू बेस्ड का फॉर्मेट का मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो हमारे आरआईएमसी आरएमएस और सैनिक स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उन सभी से मैं आपको कहीं से भी पूछूंगा ठीक है ये आपका बच्चों सी पार्ट है ये आपका डी पार्ट है और ये आपका ए पार्ट है आपको बताना है एरर किस पार्ट में है और अगर पूरे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है सर अगर पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आपको आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी कि सर पूरा सेंटेंस आपका सही है पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है ठीक है चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर एक आपका क्वेश्चन नंबर वन हो गया स्टार्टिंग का आप आंसर करते रहिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर और क्वेश्चन नंबर टू है आपका मैनी अ ये ए पार्ट है ठीक है मैनी अ गर्ल्स ये बी पार्ट है ठीक है मैनी अ गर्ल्स वॉज एबसेंट ये सी पार्ट है और पूरे सेंटेंस में सर कोई भी एरर नहीं है तो आप लास्ट में ऑप्शन नंबर डी को चूज कर सकते हैं ये है आपका डी पार्ट जिसमें बोला है नो no एरर है सर पूरा सेंटेंस ठीक है वीडियो को लाइक like शेयर करते रहो अपने सारे दोस्तों में कि साढ़े तीन से छह बजे तक अनुज सर लाइव रहते हैं हमें एमसीक्यू कराने में और वो देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन बच्चा करेगा ठीक है चलो स्टार्टिंग आ जाओ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं नेक्स्ट है आपका एक फ्रैक्शन से क्वेश्चन ठीक है एक फ्रैक्शन से क्वेश्चन है कि फाइव थर्ड ये ऑप्शन नंबर ए है ऑफ दिस एप्पल ये बेटा ऑप्शन नंबर बी है ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज नॉट गुड ये ऑप्शन नंबर सी है और लास्ट में आपको मिलेगा नो no एरर ये ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों के लिए एक और अच्छी बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ सेकंड वाले में तो दो जगह पर एरर है एक ए में भी एरर है और एक बी में भी है अरे मारे अब तो गलत हो गया ठीक है चलो वो मैं ठीक कर दूँगा आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर डाल के समृद्धि जतेंद्र ठीक है वर्तिका वेरी गुड फर्स्ट का डी है और सेकेंड का ए है सर ठीक है चलो बहुत बढ़िया बेटा ठीक है ये थ्री क्वेश्चन हो गए ठीक नेक्स्ट पे आ जाते हैं फाइव क्वेश्चन करेंगे हम एटलीस्ट एक बार में और दूसरी बात आज आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं आज की क्लास में हम वन वर्ड सब्सिट्यूशन भी करने वाले हैं तो आपको लास्ट तक चलिए राम सेवक वर्मा जी का है फर्स्ट का सर डी है और सेकंड का ए है ठीक है देख लेते हैं ठीक है अभी फाइव क्वेश्चन करेंगे और फाइव क्वेश्चन के बाद इसका पोस्टमार्टम कर देंगे पूरा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ नॉट ओनली नॉट ओनली माई टीचर नॉट ओनली माई टीचर ये ऑप्शन नंबर ए है बट ऑलो नॉट ओनली माई टीचर बट ऑल्सो माई फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर बी है ठीक है आर प्लेइंग और उधर क्रिकेट है ये ऑप्शन नंबर सी है और लास्ट में है आपका ऑप्शन नंबर डी जिसने बोला है नो no एरर कि सर पूरा सेंटेंस आपका ठीक है इसमें कोई भी एरर नहीं है ठीक है फिफ्थ का जतिन ने फिफ्थ का आंसर दिया है कि सर फिफ्थ का सी है क्वेश्चन बोर्ड पर चार हैं हाँ अब बोला अब बोला है फोर्थ का सी है सर सी 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 सॉरी सॉरी है मेरे मुंह से निकल गई गलती हो गई मुझसे ऐसा वाला तो नहीं है ठीक है चलो एक क्वेश्चन आ जाओ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बंच ऑफ अ बंच ऑफ बंच ऑफ छोड़ते हैं कुछ और करते हैं इसके कलेक्टिव नाउ नहीं कर लेंगे ठीक है एक क्वेश्चन है आपका अश्वाम ऑफ ये ऑप्शन नंबर ए है अश्वाम ऑफ बीज ठीक है वर ये ऑप्शन नंबर बी है फ्लाइंग ओवर माई ड कि मेरे सर के ऊपर क्या था बीज का जो स्वाम है वो उड़ रहा था और लास्ट में है आपका बच्चों नो no एरर ये ऑप्शन नंबर डी है और मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप जो भी आंसर करेंगे मुझे उसका रीजन जरूर चाहिए ठीक है मुझे रीजन बिना रीजन जाने मैं किसी भी बच्चे के आंसर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा ठीक है ना चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सारे लोग चलो क्वेश्चन के आंसर आ गए मेरे वर्तिका ने भी फोर्थ का भी डी किया है फिफ्थ का भी डी किया है और जतिन ने तो अब क्वेश्चन के लॉजिक भी देना शुरू कर दिए हैं जतिन को पता है कि सर जो भी आंसर पूछते हैं उसका लॉजिक वो बाद में मांगेंगे तो इसलिए मैं पहले ही दे, दे दे रहा हूं क्यों जतिन <laughs> चलो फिफ्थ के आंसर आ गए चलो अब सब ने आंसर करी लिए तो अब देख लेते हैं आप में से कितने लोग सही हैं और कितने लोग गलत हैं अभी ऐसे आप सही गलत थोड़ी मानोगे आपको चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा मैं इसीलिए बोलता हूं कि अगर पढ़ने से ही पेपर अगर निकल जाता ना तो रिवीजन नाम की दुनिया में चीज़ नहीं होती अगर पेपर सिर्फ पढ़ने से निकल जाता तो दुनिया में रिवीजन नाम की आज तक कोई चीज़ नहीं होती फिर तो हमें करना क्या है ठीक है चलिए चलिए डोंट टॉक मी अरे बाप रे हाय हाय हेलो ठीक है क्वेश्चन का आंसर करो तो रिवीजन आपने किया नहीं है अब मैं आपको जरा रूल रिवाइज करा देता हूं तब आप एकदम से बोलोगे अरे सर आप तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो रिवीजन हमने नहीं किया था व्हेनेवर टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद लाइक अनलाइक विद अलोंग विद टुगेदर विद इन एडिशन टू रादर देन एज़ वेल एज़ इन एडिशन टू देन द वर्ब शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट सब्जेक्ट याद आया कुछ जब दो सब्जेक्ट्स को लाइक अनलाइक विद एलोंग विद टूगेदर विद इन एडिशन टू रेदर देन ठीक है इन सबसे अगर फर्स्ट सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है सर आई गॉट सेलेक्टेड इन फर्स्ट चॉइस सैनिक स्कूल वेरी गुड ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन ठीक है बहुत बढ़िया तो जब दो सब्जेक्ट्स को आप यहां एज वेल एज विद अलॉन्ग विद टूगेदर विद इन एडिशन टू रेदर से ज्वाइन करते हैं तो वी डोंट केयर दैट द सेकेंड सब्जेक्ट इज सिंगुलर और द सब्जेक्ट इज सेकंडल और द सेकेंड सब्जेक्ट इज मेल और द सेकेंड सब्जेक्ट इज फीमेल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सेकेंड में क्या है जब टू सब्जेक्ट्स को हम एज वेल एज से ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी और फर्स्ट सब्जेक्ट में हमारा टीचर है टीचर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज सिंगुलर वर्ब फॉर अ सिंगुलर सब्जेक्ट सो द एरर इज इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एरर लाइज इन दी सेकेंड पार्ट ऑफ एरर कहां पर है एरर सेकेंड पार्ट में लाई करती है जतिन बहुत बढ़िया बेटा लॉजिक अच्छा दिया ठीक है सेकेंड पार्ट में एरर लाई करती है अरे याद आया आपको नहीं आया पहले अप करके बोलो ठीक है समृद्धि दी साहू डोंट टॉक वर्तिका जतिन ठीक है एकलब फटाफट से हेलो सर हेलो यो, योगेश फटाफट से थम्सअप करके बोलो आपको याद आया वेन टू और मोर सब्जेक्ट आर ज्वाइन विद लाइक अनलाइक विद 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 इन एडिशन टू रेदर देन एज वेल एज द वर्ब शुड बी इन अकॉर्डेंस विदर्स्ट सब्जेक्ट जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट को हम लाइक अनलाइक विद एलोंग विद से या एज वेल एज से ज्वाइन करते हैं तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है और फर्स्ट सब्जेक्ट में अगर टीचर सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगी और वर्ब आर तो प्लुरल होती है सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें आर के प्लेस पर इज करना पड़ेगा सो द एर लाइज इन पार्ट ऑफ सेकंड चलिए जतिन ने और थर्ड का भी लॉजिक दिया है प्लुरल फ्रैक्शन बोथ दर्ड शुड बी सेम अरे जतिन वेरी गुड ठीक है वेरी गुड अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे सर मैनी एक लॉजिक आपने हमें पढ़ाया था और वो लॉजिक ये था अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग एम ए एन वाई मैनी से होगी तो सब्जेक्ट भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी लेकिन अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग मैनी ए या मैनी एन से होगी तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी और यहां पे जो सेंटेंस की स्टार्टिंग है वो मैनी ए से हो रही है तो मैनी मतलब क्या होता है एक अच्छा अ गर्ल होगी या अ गर्ल्स होगा अ बॉय और बॉयज अ सिटी और सिटीज अ कंट्री और अ कंट्रीज अ गर्ल अ बॉय सिटी अ कंट्री अ बाइक अ कार अ टीचर अ स्टूडेंट अ पेन अ बोर्ड अ कैमरा अ बल्ब

सारे लॉजिक सही हैं और ये चीज़ें ये बताती हैं कि जतिन अच्छा देखो जतिन के आंसर अगर सही है या लॉजिक सही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसने कोई सबसे स्टार्टिंग से किसी को नहीं पता होता उसने फर्स्ट क्लास से चीज़ों को रेगुलर पढ़ा है बिल्कुल हर एक चीज़ को तो आज वो चीज़ों को जानता है तभी मैं बोलता हूँ कि आप डेली क्लास में रेगुलर रहिए चलिए लैगिंग हो रहा है लैग कर रहा है नहीं मेरे यहाँ तो ठीक चल रहा है आपके यहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी बट ठीक है ठीक है उसको डबल टैप कर दीजिए आगे बढ़ा दीजिए टेन सेकंड्स फिर वो बराबर आ जाएगा आपका थर्ड में क्या है सर फाइव 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 बॉयज फाइव गर्ल्स फाइव टीचर्स फाइव सिटीज फाइव कंट्रीज फाइव कार्स फाइव बाइक्स फाइव पेन्स फाइव बॉयज फाइव स्टूडेंट्स फाइव मतलब एक से ज्यादा फाइव मीन्स प्लूरल तो फाइव बॉय और फाइव बॉयज फाइव गर्ल और फाइव गर्ल्स फाइव टीचर और फाइव टीचर्स तो सर फाइव थर्ड और फाइव थर्ड एस आएगा क्यों आएगा एस क्योंकि फाइव है फाइव क्या होता है प्लूरल होता है प्लूरल क्या है एक से ज्यादा है और प्लुरल के साथ में आने वाला जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल ही रहेगा अब सर यहां पे आपने क्वेश्चन नंबर वन में कुछ वो वर्ड बताए थे जिनके अकॉर्डिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है लेकिन सेकंड फोर्थ क्वेश्चन में वो कंजक्शन हैं जिनके अकॉर्डिंग वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है यानी कि आप सर इसको रिवाइज ऐसे कर सकते हैं when two sub sentence two subjects are joined with or nor either or neither nor not only but also or nor either or neither nor not only but also then the sets then the verb in of the subject verb of the sentence will be in accordance with the सेकेंड सब्जेक्ट सर आपने दो सेंटेंसेस को नॉट ओनली बट आल्सो से ज्वाइन किया है जब आप दो सब्जेक्ट्स को और नॉर आइदर और नाइदर नॉर में नॉट ओनली बट आल्सो से ज्वाइन करते हैं तो आने वाली वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है सेकेंड में माई फ्रेंड्स है जो कि ऑलरेडी प्लुरल है और प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब आती है भी already plural है, तो उसके साथ में 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 कोई एरर नहीं है, fourth में, all correct है। अदर लिविंग विंग्स थिंग्स ऑल्सो एंड अदर पार्ट आर ऑल्सो विद रूल्स करेक्ट फिफ्थ वाला लॉजिक तुमने बिल्कुल ठीक दिया जतिन ठीक है लॉजिक आपने बिल्कुल ठीक दिया उसमें कोई एरर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट एक ही प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम ये है कि आप सब कुछ ठीक बताते गए लेकिन आपने ये नहीं बताया सर यहाँ पे जो आश्वाम है ना यहाँ पे जो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है वो बीज नहीं है मेरे सर के ऊपर मधुमक्खियां नहीं उड़ रही थी मेरे सर के ऊपर मधुमक्खियां नहीं उड़ रही थी मेरे सर के ऊपर मधुमक्खियों का एक झुंड उड़ रहा था एक ग्रुप उड़ रहा था और जब भी ये आश्वाम क्या है बेटा आश्वाम एक कलेक्टिव नाउन है और व्हेन वेनएवर अक्सले कलेक्टिव नाउन एक्ट एज दब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस द वर्ब शुड ऑलवेज बी सिंगुलर जब एक कलेक्टिव नाउन किसी सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट का काम करता है तो द एरर लाइज इन द बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस द वर्ब शुड ऑलवेज बी सिंगुलर तो यहां पे वर् नहीं वाज का यूज होगा कितना परसेंट क्लियर हुआ आपको फटाफट से बोलो जरा ठीक है कितना परसेंट क्लियर हुआ आपको फटाफट से बोलो क्या हमें इसके बाद में अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर चले जाना चाहिए यस और नो याद ठीक है मेरा एक गलत हो गया कोई बात नहीं 100% क्लियर है या चार पांच एमसीक्यू और करोगे आप बोलो भाई क्लियर है राम शिवक वर्मा यस वेरी गुड क्लियर है चार पांच एमसीक्यू और करने हैं बोलो यस सर अच्छा ओह अरे बाप रे वर्तिका वेरी गुड ठीक है बेटा वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सारे अपने दोस्तों को बोलना है कि साढ़े तीन बजे अनुसर लाइव है एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट के साथ सर मूव फोटो वन वर्ड सब्सिट्यूशन ओके, ठीक है तो इसको हम इसको, इसको मैं रफ कर देता हूं ठीक है इसको मैं रफ कर देता हूं अब कुछ हम यहां पे इंपॉर्टेंट लिखेंगे आपको मीनिंग बताना है ठीक है आपको मीनिंग बताना है चलो अब हम थोड़ा सा करते हैं कि सर आर आई एम सी आर एम एस और सैनिक स्कूल के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ने हैं क्या सबसे बेस्ट तरीका होगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को पढ़ने का ठीक है सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है वन वर्ड सब्सटी को पढ़ने का कोई मुझे बताएगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है एक ऐसा तरीका जिससे आप कभी उसको भूल ही भूलेंगे ही नहीं ठीक है उसको आप बाद आप कभी उसको भूलेंगे ही नहीं तो यहाँ पे मैं एक और इस पे मैं बाद में लिखूंगा पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ठीक है चलो उसके बाद में यहां पे लिखूंगा ये यह मैंने यहां एक प्लेस छोड़ी हुई है इसके सबसे पहला वर्ड है आपको आपको मीनिंग बताना है फर्स्ट है आपका कार्डियोलॉजिस्ट सेकंड है आपका ठीक है नो सर आई डोंट नो जतिन बेटा आपको तो कराए थे मैंने एक आपको याद है पहले वाले चैनल पे आपको तो कराई थी ना याद होगा क्यों चलिए कोई बात नहीं आई डोंट नो तो है ठीक है ना हम हैं तो कराने के लिए हम हैं तो कराने के लिए चलो बेटा अच्छा लॉजी और लॉजिस्ट में कोई डिफरेंस बताएगा वहां से मैं क्लियर कर दूंगा कोई भी बच्चा जो जिसे लॉजी और लॉजिस्ट में डिफरेंस बताओ दोनों में ठीक है लॉजी और लॉजिस्ट में कोई भी बच्चा बोलो बेटा राजू यादव सर लगभग सभी स्कूल की कट ऑफ अच्छा राजू यादव है सर लगभग सभी स्कूल की कट ऑफ दो तो के लगभग है तो क्या करेंगे अच्छा दो है क्या मुझे सैनिक स्कूल मिलेगा यूपी डिफेंस कैटेगरी से हैं आप राजू जी अब कर लो सेकंड राउंड का वेट कर लो इतना किया है तो सेकंड राउंड की कट ऑफ में दो चार पांच नंबर कम जाती है फिर तो वेट करना मत ठीक है क्योंकि उसके बाद तक तो फिर क्या होगा सीधा सीधा उसके बाद तो फिर वैकेंसी फिल हो जाएंगी अगर सेकंड राउंड में दो तीन नंबर कम गई कट ऑफ तो सीधा ये पता चल जाएगा कि भाई दो तीन नंबर कम होने का मतलब ये है कि तीन चार राउंड में भी वो नीचे नहीं आने वाली तो फिर आप अपना अलग जो एडमिशन जहां आप लेना चाहते हैं वहां ले लीजिए न्यू सैनिक स्कूल मिल जाए तो वहां ले लीजिए अगर दस बारह नंबर कम चली जाए तो ये उम्मीद हो सकती है कि आ जाए ठीक है बट समस्या ये है कि तेईस नंबर का गैप आ रहा है प्रॉब्लम एक ये भी है ना चलिए लॉजिक किसी चीज़ की स्टडी को कहते हैं और लॉजिस्ट उस स्टडी को पढ़ाने वाला कहते हैं वेरी वेरी गुड ठीक है सही बोला है ठीक है चलो सही बोल दिया किसने बोला था समृद्धि ने हां ठीक है चलो इसका मीनिंग बताओ जरा आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है फास्ट बोलो बेटा आर्कियोलॉजिस्ट है आपका ठीक है एक और वर्ड लिख देता हूं मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट ठीक है एक और वर्ड लिख देते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट एक और वर्ड है बच्चे नेफ्रोलॉजिस्ट ठीक है एक कार्डियोलॉजिस्ट हो गया ठीक है अब देखो यहां रूट वर्ड का एक खेल समझेंगे कि सर रूट वर्ड क्या होती है ठीक है यहां पे हम जब भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को पढ़ते हैं तो हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को किसी ना किसी रूट वर्ड से पढ़ते हैं और आज की हमारी रूट वर्ड क्या है आज की हमारी रूट वर्ड है बच्चों लॉजिस्ट ठीक है और ये लॉजिस्ट रूट वर्ड आई कहां से है सर लॉजिस्ट रूट वर्ड आई है लॉजी वर्ड से ठीक है हार्ट डिजीज डिसऑर्डर वेरी गुड हार्ट के डॉक्टर को कहते हैं अभी आपका ठीक है आर्कियोलॉजिस्ट आ गया ऑर्थोपेडिस्ट आएगा ठीक है ठीक है डर्मेटोलॉजिस्ट आएगा ठीक है बहुत सारे वर्ड हैं ठीक डर्मेटोलॉजिस्ट ठीक लॉजिस्ट रूटवर्ड आई कहां से है रूट रूटवर्ड आई है सर लॉजी से लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग किसी चीज की स्टडी करना और लॉजिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु डज स्टडी ऑफ समथिंग क्या होता है अ पर्सन या फिर मैं इस, इस चलो स्पेशलिस्ट इस कह देता हूं या किसी चीज का स्पेशलिस्ट होना उस चीज की स्टडी करना अ पर्सन हु डज स्टडी ऑफ समथिंग आप इसको सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं किसी चीज में स्पेशलिस्ट होना ठीक है देखो कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है कार्डियोलॉजी का मतलब होता है आपका दिल की पढ़ाई करना दिल से रिलेटेड स्टडी करना और कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो पर्सन जो हार्ट डिजीज को या हार्ट से रिलेटेड थिंग्स की स्टडी करता है और हार्ट की डिजीज की स्टडी करना या हार्ट रिलेटेड चीजों की स्टडी करना ये कौन होता है ये हार्ट का डॉक्टर ही तो होता है तो कार्डियो का मतलब क्या होता है कार्डियो का मतलब होता है हार्ट एंड लॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट या आप इसको डॉक्टर भी कहते हैं ठीक है डॉक्टर चलो मत कहो डॉक्टर भी कह सकते हैं वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कार्डियो मींस हार्ट लॉजिस्ट मींस स्पेशलिस्ट तो आप आंसर में क्या हो जाएगा इसका सर इसका आंसर हो जाएगा हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट ठीक है दिल का स्पेशलिस्ट होना क्या होता है कार्डियोलॉजिस्ट होता है आर्यो का मतलब क्या होता है देखो एक वर्ड होता है आर्क्योलॉजी ठीक है आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है चलिए हु टेक केयर ऑफ स्किन अच्छा वेरी गुड ठीक है वर्तिका जतिन समृद्धि वेरी गुड हु स्टडी ऑफ पास्ट हाँ आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चे आर्कियोलॉजी का मतलब होता है वो एक स्टडी मतलब का एक वो चीज जिसमें हम पास्ट की थिंग्स को पढ़ते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है आपकी अ पर्सन अ पर्सन डज दी ऑफ ओल्ड थिंग्स जो बहुत पुरानी चीजों की स्टडी करता है जो कहीं भी खुदाई करता है कि यहां पे 200 साल पुराने राजा का मुकुट निकला है वो सारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं एस्ट्रो का मतलब होता है जो स्पेस में जो चीजें होती हैं और लॉजिस्ट मतलब उनकी पढ़ाई करने वाला तो एस्ट्रोलॉजिस्ट मतलब क्या हो जाएगा पर्सन हु डी स्टडी ऑफ थिंग्स ऑफ स्पेस रिलेटेड थिंग्स ठीक है तो आप यहां पर यह भी कह सकते हैं स्पेस स्पेशलिस्ट स्पेस स्पेशलिस्ट कह सकते हैं आप इसको या नॉर्मली कह सकते हैं ठीक है अ पर्सन ठीक है हु प्रिडिक्ट समथिंग हु प्रिडिक्ट समथिंग इसकी हिंदी बताऊंगा बच्चों हु प्रिडिक्ट समथिंग अकॉर्डिंग टू दूवमेंट ऑफ अकॉर्डिंग टू दूवमेंट ऑफ प्लानिट्स भविष्यवाणी करने वाला क्या होता है भविष्यवाणी करने वाला एस्ट्रोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है कि भैया तुम्हारा मंगल ऐसा चल रहा है शनि ऐसा चल रहा है केतु ऐसा चल रहा है ठीक है शुक्र ऐसा चल रहा है तो वो जो बाबा लोग आते हैं ना वो हमारे जो जन्म कुंडली होती है उसको जो आप देखते ठीक है ठीक है किडनी रिलेटेड डिजीज होती है बिल्कुल वर्तिका जो वो लोग होते हैं जो हमारी जन्म कुंडली देख के बताते हैं वो स्पेस की जो प्लैनेट्स होते हैं ना उनके मोमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारा फ्यूचर बताते हैं प्रिडिक्ट करते हैं वो होते हैं आपके स्पेस स्पेशलिस्ट कह दीजिए ऐसा पर्सन जो भविष्यवाणी करता है प्लेनेट्स के मूवमेंट के अकॉर्डिंगली नेफ्रो का मतलब क्या होता है किडनी को और लॉजिस्ट होता है उसके क्या होते हैं लॉजिस्ट उसके डॉक्टर हो गए तो नेफ्रोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा किडनी ठीक है बच्चों डर्म का मतलब क्या होता है बेटा ठीक है डर्म का मतलब क्या होता है डर्म मीनस होती है स्किन वेरी गुड समृद्धि ठीक है ई आर एम द मीनिंग ऑफ डर्म डर्म का मतलब होता है स्किन होना स्किन स्किन ये डर्म है मेरी ठीक है इट इज माई डर्म ठीक योर डर्म इज वेरी व्हाइट योर डर्म इज वेरी डार्क तो ये डर्म का मतलब होता है स्किन और लॉजिस्ट का मतलब होता है उसका डॉक्टर तो आप यहां पे दोनों मीनिंग लिख सकते हैं या तो आप बोल दीजिए डॉक्टर ऑफ स्किन ठीक है या आप उसको स्किन स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है चलिए कोई प्रॉब्लम ठीक है बेटा तो आर्कियोलॉजिस्ट वाले वर्ड में क्या आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है यस या नो बताओ जरा मुझे जल्दी बोटो बेटा इज देर एनी प्रॉब्लम सर मैंने को तीन वर्ड का मीनिंग नहीं पता था कोई बात नहीं अब तो क्लियर है ना अब तो आपको पता चल गया ना अब तो क्लियर है ना जतिन चलिए जतिन का आंसर का मैं वेट कर रहा हूं अभी भी जतिन बेटा यस सर क्लियर है ठीक है ठीक है चलो तो अब स्टार्ट करते हैं किसी दूसरी उसको करते हैं दूसरी रूटवर्ड लेते हैं तो यहां पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अब चलते हैं हम सेकंड रूटवर्ड की ओर और सेकंड रूटवर्ड हमने ले ली यहां पे एक और हमने सेकेंड रूटवर्ड यहां पे ले लेते हैं तो रूटवर्ड को नाम दे दिया मैंने अब देखो लॉजी नहीं लूंगा सुनना मेरी बात को बेटा मैं लॉजी वाला रूटवर्ड ही नहीं रहा हूं अब लॉजी वाला रूटवर्ड मैं नहीं करा रहा हूं लॉजी वाला रूटवर्ड मैंने आपको बता दिया ठीक है तो लॉजी वाला रूटवर्ड मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं अब यहां पे हम दो रूटवर्ड देखेंगे एक मोनो और एक पॉली दोनों एक साथ देखेंगे क्या है एक मैंने लिखा मोनो और दूसरी रूटवर्ड क्या है यहां पे स्टार बना के दूसरी रूटवर्ड है पॉली एक मोनो रूटवर्ड है और दूसरी रूटवर्ड पॉली है सर इनका मीनिंग क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन यानी कि एक और पॉली का मीनिंग क्या होता है पॉली का मीनिंग होता है मैनी यानी कि बहुत सारे ठीक है मोनो मीन वन एंड पॉली मीनस बहुत सारे तो यहां पे इनके रूटवर्ड्स को भी हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं ठीक है तो यहां पे मैंने लिखा पहला वर्ड मोनोगलॉट ठीक है और दूसरा वर्ड मैंने बच्चों लिख दिया पॉलीग्लॉट आपको मीनिंग बताने हैं बेटा सारे ठीक है एक तरफ मोनोग्लॉट है एक तरफ पॉलीग्लॉट है एक तरफ मैंने लिख दिया मोनोगेमी और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया पॉलीगेमी क्लियर चलो दूसरा मैंने यहां पे लिख दिया मोनोक्रोम और एक यहां पे लिख दिया पॉलीक्रोम ठीक है एक हमने यहां पे लिख दिया मोनोथीस्ट और दूसरा मैंने यहां पे लिख दिया पॉलीथीस ठीक है आंसर बताते रहो मोनोगुलिटमीस अरे वा जतन समृद्धि वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वीडियो को लाइक शेयर करते रहो बेटा सारे लोग ठीक है ना चलो ठीक है चलो एक एक वर्ड और हो जाए एक एक वर्ड और लिख लेते हैं यहां पे लास्ट में ठीक है तो यहाँ पहले इनका मीनिंग देख लेते हैं खत्म कर देते हैं इनको चलो अब देखते हैं सर इनका मीनिंग क्या है देखो मोनो का मीन्स क्या होता है मोनो मीन्स होता है वन और पॉली मीन्स होता है मैनी बहुत सारे ग्लॉट का मतलब क्या होता है लैंग्वेज या बोलने वाला ठीक है मोनोमीन्स होता है वन ग्लॉट का मतलब होता है बोलने वाला लैंग्वेज या स्पीकर तो मोनो मीनस वन तो और स्पीकर मीनस लैंग्वेज कितनी भाषा बोलने वाला एक भाषा बोलने वाला तो क्या हो जाएगा हु कैन लिख देना ओनली वन लैंग्वेज ऐसा पर्सन जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोल सकता है उसको मोनोग्लॉट कहते हैं पॉली मीनस का मतलब क्या है मीन्स का मतलब होता है बेटा बहुत सारे ठीक है मीन्स का मतलब होता है बहुत सारे और who can लिखा है तो आपको यहां से एस हटाना पड़ेगा ये वाला ठीक है फर्स्ट फॉर्म आती है हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस देख रहे हो मोनो मोनोमींस एक होता है ग्लॉट मींस बोलने वाला लैंग्वेज बोलने वाला पर्सन तो ऐसा पर्सन जो एक ही लैंग्वेज बोल सकता है उसको मोनोग्लॉट करते कहते हैं और ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेज को बोल सकता है उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं मोनो मोनोमीस होता है वन और गेमी मीस होता है मैरिज ठीक है या फिर वाइफ तो हम यहां पे हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड एक वाइफ या एक हस्बैंड होना क्या होता है एक वाइफ या एक हस्बैंड होना या एक आ, बार में एक ही आदमी से शादी करना उसको कहते हैं मोनोगेमी और हैविंग हैविंग कर देना इस पे यहाँ पे ठीक है आपको नोट भी करने हैं हैविंग मेनी वाइफ बहुत सारी शादियाँ करना या बहुत सारी बीबियां या बहुत सारे हस्बैंड्स होना उसको क्या कहेंगे उसको कहेंगे पॉलीगेमी ठीक है चलिए मोनो मोनो मतलब होता है वन क्रोम वन ठीक है और क्रोम मतलब होता है कलर तो ऐसी कोई चीज जिसमें भाई ऐसी कोई चीज जिसमें एक ही कलर होता है उसको मोनोक्रोम कहते हैं और पॉली पोलीमीन्स मतलब होता है बहुत सारे और क्रोमींस होता है कलर तो जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं उसको मोनो हो गए क्या हो गए उसको पॉलीक्रोम कहेंगे अब आते हैं मोनोथीस्ट वाले वर्ड्स पे ठीक है चलो जरा आंसर देखें जरा सबके अब ठीक है सबके आंसर देख लेते हैं समृद्धि है मोनोग्लॉट मींस हैविंग और नोइंग और एबल टू इज यूज वन लैंग्वेज वर्तिका पॉलीग्लॉट हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज वेरी गुड फिर समृद्धि है पॉलीग्लॉट मीन नोइंग इन मोर देन वन लैंग्वेज ठीक है वर्तिका मोनोगेमी और मोनोजोनी ठीक है हैविंग मैनी वाइफ्स ओके ठीक है, मैनी कलर्स अब देखते हैं सर थीस्ट का मतलब क्या है ठीक मोनोमीस क्या होता है मोनोमीस होता है वन और थीस्ट का मतलब होता है विश्वास होना गॉड में तो ऐसा आदमी जो एक ही भगवान को मानता है उसको बेटा मोनोथीस्ट कहते हैं ठीक है ऐसा आदमी जो एक ही भगवान को मानता है उसको मोनोथीस्ट कहते हैं और पोलीथीस का मतलब पॉली के मतलब क्या होता है पॉली का मतलब होता है बहुत सारे ठीक है और थीस मतलब हो गया बिलीव करना या गॉड करना तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे गॉड्स में बिलीव करता है उसको क्या कहेंगे उसको कहेंगे आप पॉलीग्लॉट और जो एक ही भगवान में विश्वास रखे उसको कहेंगे आप मोनोथीस्ट सॉरी मोनोथीस्ट बिलीव इन वन गॉड पॉलीथीस्ट बिलीविंग मैनी गॉड क्लियर बच्चों चलो पॉली थीस हु बिलीव मैनिंग अच्छा ओके अच्छा। क्लियर है मजा आया आपको वन वर्ड सब्सटिट्यूशन का आपको देखो रटना नहीं पड़ा होगा आपको बिल्कुल भी आपको कोई चीज रटनी नहीं पड़ रही है आप यहां रूट वर्ड से सीख रहे हैं इसका मतलब तो सर ये आप कुछ ऐसा कहना चाहते हो क्या कि आप किसी भी वर्ड में एम ओ एन ओ मोनो लगा दोगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका वन होता है और कहीं अगर आप पॉली लगा दोगे तो पॉली का मतलब कहीं ना कहीं कैसे ही ना कैसे बहुत सारा होता है मैनी होता है ठीक है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जहां मोनो लगा है उसका मतलब वन ही होगा ठीक है और जहां पॉली लगा है उसका मतलब कहीं ना कहीं रिलेशन में आपका पॉली से होगा बहुत सारी चीजें होना बहुत सारा ये होना बहुत सारे वो होना तो ये आपको क्या करना है ये आपको रूट वर्ड्स पढ़ने हैं ऐसे ही रूट वर्ड आपको रूट वर्ड से वन वर्ड पढ़ोगे तो ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मीनिंग में देखने को मिलते हैं एमसीक्यू वेस्ड पे क्लियर इज देर एनी प्रॉब्लम तो एक एमसीक्यू कर ले फिर एक एमसीक्यू कर लें यस सर ठीक है चलो ऐसे आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों पेपर में ना बेटा पेन है? ठीक है बताओ बेटा उन्होंने कहा सर ये तो आपने हमें पढ़ाया ही नहीं ऐसे ही पूछ लिया मैं इसको अभी मैं थर्ड हमारी रूटवर्ड है फोबिया थर्ड रूट वर्ड को पढ़ेंगे लेकिन थर्ड रूट वर्ड को पढ़ने से पहले हमें एक दो क्वेश्चन भी करने हैं बी 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 ठीक है तो हमें यहां चीजों को फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है किसका सही आंसर है और किसका गलत आंसर है ठीक है ना वर्तिका का आंसर भी ए है ठीक है चलो देखो नेक्स्ट हमारी रूट वर्ड पता है क्या है बच्चों एक रूट वर्ड होती है सर क्या होता है वो रूट वर्ड वो रूट वर्ड है आपका फोबिया अच्छा सर इस फोबिया रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है इस फोबिया रूट वर्ड का मीनिंग होता है फियर ऑफ किसी चीज का डर होना फियर ऑफ समथिंग ठीक है फ़ियर ऑफ़ अच्छा देखो पायरो का मतलब होता है फायर ठीक है और फोबिया का मतलब होता है डर तो पायरोफोबिया मतलब हो गया फियर ऑफ फायरर फायर क्या किसी ने एक्वाफिना की बोतल से पानी पिया है कभी हां या ना या कभी किसी ने एक्वेरियम देखा है यस और नो कभी किसी ने एक्वारिया की एक्वाफिना की बोतल से पानी पिया होगा कभी किसी ने एक्वेरियम देखा होगा अपने घर में अपने स्कूल में ठीक है प्रिंसिपल की ऑफिस में, में एक्वेरियम का रिप्रेजेंट करता है वाटर को और फोबिया मतलब होता है डर तो फोबिया क्या हो जाएगा आपका फीयर ऑफ वाटर हो जाएगा कि, fretry, fretry का मतलब होता है भाई या फीयर और साइड का मतलब होता है किल तो अपने ही भाई की हत्या करना किलिंग ऑफ ब्रदर इज नोन एज ब्रदर और फ्रेंड इज फ्रेट्री साइड जीनो का मतलब होता है बेटा स्ट्रेंजर फोबिया का मतलब होता है डर फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स इज नोन एज जीनोफोबिया तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर वी होगा वेरी गुड yeah. तुक्का yeah. गलत गया सर <laughs> अच्छा तुक्का लगाया था क्या चलो वेरी गुड ठीक है आशुतोष जी का सवाल वी है और सही है बिल्कुल सही है कोई बात नहीं विवेकानंद भी विवेक जी तो बहुत लेट आए भाई आज तो है मेरी क्लास के बिल्कुल एंड में पहुंचे हैं ऐसा क्या हो गया था कौन सी ट्रेन थी चलो कोई बात नहीं क्वेश्चन आंसर कभी गलत और सही हो सकते हैं बर्थ क्या का भी तुक्का गलत हो गया सर ठीक है चलिए ठीक है तो अभी इसके बाद में हम लोगों से जुड़ेंगे हर्षित सर ठीक है आकाश अच्छा 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 ठीक है क्लास आपकी डेली शाम को साढ़े तीन बजे थ्री थर्टी पी पर स्टार्ट हो जाती है ठीक डेली और टू पॉइंट फाइव आर की आपकी क्लासेस रहेंगी ठीक है ना डेली ढाई घंटे की क्लासेस रहेगी आपकी ठीक और क्लास आपको कैसी लगी आपने कितना आज सीखा रूटवर्ड में क्या सीखा फटाफट से कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ठीक है बस यहाँ तो बाय बाय अनुसर हो जाता है तुरंत सर आप जैसे ही पूछोगे ना क्लास कैसे लगी यानी कि आपकी क्लास अब ओवर होने वाली है बाय 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 तुरंत कर देंगे हम बाय बाय अभी मैं चला गया क्लास में से नहीं गया ना अभी तो नहीं गया हूं क्लास में से मंडे को जो क्लास होगी उस क्लास में मैं कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पढ़ाऊंगा कोई थ्योरेटिकल पोर्शन पोर्शन नहीं पढ़ाऊंगा आपको मंडे को पूरी क्लास पीपीटी बेस्ड होगी पूरे क्लास में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे धुआंधार उनके आंसर करना फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अच्छा हमारा मोह हो गया <laughs> बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो आपको पहले से तैयार हो आना है आपसे पहले की क्लासेस में मैंने जितना भी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया है वो आपको सब लर्न करके आना है सारा का सारा सारा सब लर्न करके आना है आपको ठीक है क्लासेस आपकी डेली साढ़े तीन से छह बजे होंगी सबसे पहली क्लासेस आपकी इंग्लिश की होती है बेसिक जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर को खत्म कर चुके हैं और मंडे को उसके क्वेश्चन आंसर करके नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ठीक है और दूसरी क्लास आपकी जीएस की रहती है हर्षित सर की और लास्ट क्लास आपकी रहती है मैथ्स की हरितोष सर की ठीक है ना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में भेज दो ना मंडे को हमारा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होने वाला है साढ़े तीन बजे की क्लास में अनु सर का चलो देखते हैं कौन टॉप आता है ठीक है आऊंगा बिल्कुल बिल्कुल आंसर करने हैं भाई सबको आंसर करने हैं तभी तो पता लगेगा कौन फर्स्ट आया कौन टॉप ऐसे कैसे पता लगेगा ऐसे थोड़ी पता लग जाएगा ठीक है चलो ठीक है तो अभी आपका एक मिनट का ब्रेक है और अभी हर्षित सर आएंगे और हर्षित सर, सर, सर के साथ आप लोग क्या पढ़ेंगे हर्षित सर के साथ आप लोग पढ़ेंगे जीएस ठीक है

जय हिंद एवरीवन। आई एम हर्षित वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ ड्रीमर्स एकेडमी स्टूडेंट्स गुड इवनिंग सर वेरी गुड इवनिंग सृष्टि कुमारी वेरी गुड इवनिंग समृद्धि वेरी गुड इवनिंग जतिन आई होप यू ऑल आर गुड और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बेटा जस्ट गिव मी फाइव यू वो तो ऐसे दिख रहा है हेलो स्टूडेंट्स चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा नाउ वी हैव ऑल द स्टूडेंट्स आकाश इज सर आज श्री राम जान की बैठे हैं मेरे सीने में लग रहे हो तिलक लगाकर थैंक यू सो मच बेटा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स चलो पर आज क्लास स्टार्ट करते हैं हमने कल पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया था खत्म कर दिया था पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसमें भी किसी को कोई भी डाउट है तो अभी आप पूछ लो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज वो कौन सा होगा हमने थोड़ा सा कल भी डिस्कस कर लिया था रिगार्डिंग द शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समृद्धि वेर आर यू गोइंग बेटा समृद्धि आप ऑनलाइन बैच में क्यों नहीं हो चलो लेट स्टार्ट ओके नो सर नो वे आई नो जैसे आप टाइम पास करें ना बेटा चलो आज शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं कल हमने पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया था अपने भी आप पर जो भी पार्ट से पूछा जा सकता है कुछ भी ओ आकाश इज ऑल्सो हियर वेरी गुड सो मेनी स्टूडेंट्स आर हेयर फ्रॉम आर ऑनलाइन बैच एक लव्य चलो स्टार्ट करते हैं शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूश

शेड्यूल्स थे और आज 2024 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल्स शेड्यूल्स इन एंड कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा मैंने हमारे कल मैंने आपको पार्ट्स पढ़ाए थे आपके लिए कौन सा पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विच डिलीटेड ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे डिलीट किया गया है समृदि सिंह ट्वेल्व ओके सर सृष्टि कुमारी से ओके टेल मी नो कौन सा पार्ट है जतीनी सिंह नाइन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट को डिलीट कर दिया गया है नाइन नो स्टूडेंट्स नो नाइन नाइन नहीं है वो पार्ट नंबर सेवन पार्ट नंबर से पार्ट नंबर दिस पार्ट नंबर सेवन ज द ओनली पार्ट इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था इसको तो याद कर लो ये तो बहुत जरूरी है आपके लिए और मैंने इसीलिए आपसे पूछा पार्ट नंबर सेवन एक लौट ऐसा पार्ट हमारे इंडियन का जिसको लागू होने के बाद से लेकर आज तक जिसको डिलीट किया गया है और डिलीट कब किया गया हमने डिलीट किया है 1956 में, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू सेवन अमेंडमेंट के थ्रू भारत के सातवें संशोधन के थ्रू हमने इस पार्ट को डिलीट किया है वेरी इंपोर्टेंट कल बताया था और आज भूल गए चलो आगे चलते हैं आगे चलते हैं शेड्यूल्स यस yes, हमारे बच्चों ने बता दिया सर पहले शेड्यूल से आठ और अब शेड्यूल कितने है? अब हैं अब है बारह तो चलो अब हर एक शेड्यूल को पढ़ लेते हैं पहले आपको एक ओवरव्यू देता हूं शेड्यूल्स का शेड्यूल्स का माइंड मैप क्या है पहले माइंड मैप रेडी कर लेते हैं फिर जाके आगे पढ़ना शुरू करेंगे शेड्यूल नंबर वन और आपको बता दू जैसे पार्ट मैंने कुछ पार्ट छ दिए थे शेड्यूल्स आपको एक भी नहीं छोड़ना शेड्यूल बेटा एक भी सर कल में बीच में चला गया था और जतिन एक बार आप कल वाली वीडियो फिर से देख लेना पर मैं एक बार शेड्यूल्स वाला से और फिर से आपको पढ़ा रहा हूं ओके शेड्यूल नंबर वन में क्या है जैसे पार्ट नंबर वन में क्या था पार्ट नंबर वन में क्या था यस आई एम रीडिंग योर कमेंट पार्ट वन में था क्या यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पार्ट वन में था सेम चीज जो पार्ट वन में थी वो शेड्यूल वन में आप देख सकते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश के बारे में बताया है हमारे यूनियन के बारे में बताया है हमारे कंट्री की टेरिटरीज के बारे में बताया गया है हमारे कंट्री की स्टेट्स के बारे में बताया गया है यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया उसकी लैंड जो जहां तक की उनकी वो है एरिया सब कुछ बताया गया है उनके फिजिकल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सब कुछ कहाँ बताया गया है पार्ट वन में शेड्यूल वन में जो पार्ट वन में है वही शेड्यूल नंबर वन में भी है और इसके साथ जो हमारे कितने स्टेट्स हैं हमारे पास ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरिटरीज ये भी कहा मेंशन है बेटा ये भी कहा मेंशन है ये भी पार्ट शेड्यूल नंबर वन में मेंशन है स्टाइलस तो सॉरी दे ऑल आर मैं शेड्यूल नंबर वन फिर आते हैं शेड्यूल नंबर टू पे शेड्यूल नंबर टू में क्या है हमारे जो भी हाइएस्ट पोस्ट है हमारे कंट्री में फॉर एग्जाम्पल प्रेजिडेंट फॉर एग्जाम्पल गवर्नर स्पीकर ऑफ लोकसभा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर ऑफ राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसके बाद हमारे सेम स्टेट लेजि असम्बली स्टेट लेजिस्टिव काउंसिल्स इन सभी के जो स्पीकर हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे हाई कोर्ट के जज उसके बाद हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन सबकी किसके बारे में सैलरीज के बारे में बताया गया है सैलरीज एंड अलाउेंसेस इन सभी की सैलरी और अलावेंसिस के बारे में बताया गया है कहा शेड्यूल नंबर टू में ट्वेंटी यस बेटा जतिन वेरी गुड शेड्यूल नंबर टू में क्या कह रहा है सैलरी और अलावेंसिस के बारे में बताया है? किन किन के बारे में बताया गया है वो इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कंट्री के प्रेसिडेंट की बताई गई है हमारे गवर्नर्स गवर्नर्स के बारे में बताया गया की क्या क्या सैलरी होगी कैसे कैसे उनको मिलेंगे क्या उनके होंगे उसके बाद हमारे जो होते एंड डिप्टी स्पीकर्स स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स कहा के डिप्टी स्पीकर्स और स्पीकर्स सर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर्स राज्यसभा के स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के उसके बाद सर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये कौन होता है ये वो है सर जो हमारे इंडिया के फाइनेंसिस को ऑडिट करते हैं यस, यस, नॉट सर एंड सैलरी ऑफ ऑफ बोथ बट नॉट ऑफ लोअर कोर्ट ये बेटा ओनली द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स. इनके बारे में बताया गया है चलो ये तो था क्या शेड्यूल नंबर टू अब इसमें अगर आप अब तक तो मैंने बताया था क्या इन सभी की सैलरी और अलाउेंसेस अगर आप शेड्यूल नंबर थ्री पर आएंगे तो इनकी क्या बताई गई है ओथ एंड एफरमेशन ओथ एंड एफरमेशन ओथ मतलब शपथ मैंने यह टॉपिक कल भी करवाया था थोड़ा सा थोड़ा सा आपके बारे में कल भी बताया था आज इसको ब्रीफली कर लेते हैं और इसको खत्म कर देते हैं ओथ एंड एफरमेशन शपथ कौन दिलवाएगा शपथ किसकी शपथ लेंगे कैसे शपथ लेंगे सब कुछ इन सभी की उसमें प्रेसिडेंट्स नहीं है बेटा प्रेसिडेंट नहीं है बट इन सभी की चाहे वो गवर्नर हो एम हो सबकी किसके बारे में बताया गया है ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में जब वो अपने कार्यों को संभालेंगे तो जो ओथ लेंगे शपथ लेंगे किसकी शपथ लेंगे कैसे लेंगे सब कुछ कहा बताया गया है शेड्यूल नंबर थ्री में क्या बताई गई है शपथ के बारे में बताया गया है इनकी ओके चलो सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ ही लेते हैं आगे चलते हैं चलो पहला शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल अभी मैंने आपको बताया एक बार देख लेते हैं क्या बताया, है, बताया है, टेरिटरीज के बारे में बताया गया है शेड्यूल नंबर वन में इज एनीयर इन द्लास व्हाट आर यू आस्किंग बेटा कितनी स्टेट्स है स्टेट्स और कितनी टेरिटरीज है एट यूनियन टेरिटरीज पूरे के पूरे इंडिया के

कहा है बेटा ये शेड्यूल नंबर सेकेंड में अगर आप राष्ट्रपति हो आपको और क्या सुविधा मिलेगी आप राष्ट्रपति भवन में रहोगे आपको उसका किराया नहीं देना आपको क्या क्या मिलेगा ओके okay? मेंशन है बेटा शेड्यूल नंबर टू में शेड्यूल नंबर टू में यस yes. किस किस की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ स्टेट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं बेटा हो सकता है आपको चार पांच ऑप्शन दे दे और पूछ ले बताओ इनमें से शेड्यूल नंबर टू में कौन कौन मेंशन है मान लो आपको ऑप्शन दे दिए क्वेश्चन देता हूं आपको क्वेश्चन है पहले ऑप्शन दे दिए हम बाद में क्वेश्चन बताएंगे प्रेजिडेंट पहला ऑप्शन प्रेजिडेंट दूसरा ऑप्शन गवर्नर्स गवर्नर्स तीसरा ऑप्शन सी ए जी और अगला ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल दिस इज ऑप्शन ए दिस इज ऑप्शन बी दिस इज ऑप्शन सी एंड दिस इज ऑप्शन डी आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ इन चारों में से शेड्यूल नंबर टू में शेड्यूल नंबर टू में किसकी सैलरी के बारे में डिस्कस नहीं किया है फॉलोइंग सैलरी एंड प्रिविलेजेस इन शेड्यूल टू ऑफ इंडियन जल्दी बताओ ऑप्शन बी ऑप्शन से किसकी सैलरी के बारे में शेड्यूल नंबर टू में नहीं बताया गया है जतिन no, जतिन आपके सामने है ऑप्शन आपके सामने है सी ए जी किसको बोलते हैं सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को बोलते हैं सीएजी बेटा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सी को बोलते हैं आपके सामने है, आप चीटिंग भी कर सकते हो जबकि ओके ना सी शेड्यूल नंबर टू में किस किस किया गया है प्रेसिडेंट को देखो किया है हाँ जी सर किया है गवर्नर्स को किया है हां जी सर गवर्नर्स को भी किया है सीएजी को किया है हां जी सर, सर किया है अटॉर्नी जनरल नहीं आते शेड्यूल नंबर टू में शेड्यूल नंबर टू में अटॉर्नी जनरल नहीं आते अटॉर्नी जनरल होते कौन है सर सर अटॉर्नी जनरल इंडिया में हाइएस्ट लॉ ऑफिसर है ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया हाइएस्ट लॉ ऑफिसर सबसे बड़े कानून अधिकारी कौन अटॉर्नी जनरल मैंने कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केस कर दिया या फिर यूएनओ ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस चाहिए तो वो किससे लेंगे अटॉर्नी जनरल से सरकारी वकील बोल सकते हो आप इसको क्या बोल सकते हो इसको आप सरकारी वकील द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया हु अटॉर्नी जनरल इसकी सैलरी के बारे में शेड्यूल नंबर टू में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है चलो शेड्यूल नंबर वन एंड शेड्यूल नंबर टू होप आपको थोड़े से क्लियर हो गए होंगे ओके ओके सर नो चीटिंग वेरी गुड बेटा चलो आगे चलते हैं आगे आ जाते हैं शेड्यूल नंबर आगे आ जाते हैं शेड्यूल नंबर थ्री पे थर्ड शेड्यूल दिस पर्टिकुलर शेड्यूल टॉक्स अबाउट द ओथ एंड एफर्मेशन ओथ एंड एफर्मेशन शपथ के बारे में बात करता है किसको शपथ दिलवाई जाएगी कैसे शपथ दिलवाई जाएगी दिस पर्टिकुलर कौन सा शेड्यूल थर्ड शेड्यूल किस किसकी यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो भी हमारे एम पी और एमएलए होते हैं उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड सी ए जी इन सबकी शपथ कहा सबकी शपथ है थर्ड शेड्यूल में ओके okay? ओके okay. चलो आगे चलते हैं शेड्यूल नंबर फोर शेड्यूल नंबर फोर शेड्यूल नंबर फोर में क्या मेंशन है बेटा शेड्यूल नंबर फोर में बताया गया है राज्यसभा में किसी भी स्टेट के पास कितनी सीट होंगी ओके okay? अब बताओ हमारे पार्लियामेंट में कितने हाउसेज होते हैं टेल yes, मी हमारे पार्लियामेंट में कितने हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट में कितने हाउसेज होते हैं यस 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 टू ओके चलो टू मान लिया कितने हाउस है बेटा दो हाउस है एक लोकसभा और एक राज्यसभा दो हाउसेज है हमारे पार्लियामेंट में एक लोकसभा और एक राज्यसभा यस अब आपको पता जो अभी अभी इलेक्शन इलेक्शन हो रहे हैं तो, में रहे हैं में होने वाले लोकसभा के लिए इलेक्शन किसके लिए होंगे इलेक्शन होंगे लोकसभा के लिए लोकसभा में जो एमपी लोकसभा में कौन जो बैठते हैं बेटा एमपी बैठते हैं उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उनके लिए क्या होते हैं बेटा डायरेक्ट इलेक्शन आपको पता है अभी 2024 में इलेक्शन है इलेक्शन में हम वोट किसके लिए डालेंगे हम वोट डालेंगे बेटा एमपी के लिए हमारे जो लोकसभा में MPs हैं, हम उनके लिए वोट डालेंगे वो सभी जाके में बैठ जाएंगे बट होते। राज्यसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, होते. डायरेक्ट सभा में क्या है जो आप अपनी स्टेट की असेंबली चूज करते हो ना बेटा आप अपनी स्टेट की असेंबली चूज करते हो आप अपने एम चूज करते हो MLA's, आपकी स्टेट असेंबली है स्टेट असेंबली फॉर एग्जाम्पल हरियाणा अब ये जो हरियाणा असेंबली है ये अपने मेंबर्स में इलेक्ट कर कहा चार सीट दे दी इसको या फिर इसको बोला कि आपके पास पांच सीट है तो ये पांच मेंबर्स को इलेक्ट करेगी कहां भेज देगी राज्यसभा में तो राज्यसभा के जो एम हैं वो स्टेट असेंबली से इलेक्ट होकर आते हैं ओके okay? और ये जो सीट होती है मान ले किसी स्टेट के पास कितनी कितनी सीट 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 है है किसी स्टेट के पास कितनी है, ये एलोकेट कौन करता है ये सीट करता है शेड्यूल नंबर फोर किसी भी स्टेट या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी के पास कितनी सीट होंगी कहां पर होंगी राज्यसभा में कितनी सीट होंगी बढ़ा okay? ओके किसी भी स्टेट असेंबली में किसी भी स्टेट के पास यूनियन टेरिटरी के पास राज्यसभा की कितनी सीट होंगी यह कौन बताएगा यह बताएगा सर शेड्यूल नंबर फोर ओके आगे चलो शेड्यूल नंबर फाइव सर शेड्यूल नंबर फाइव क्या बता रहा है शेड्यूल नंबर फाइव बता रहा है सर इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो भी एरिया शेड्यूल्ड एरिया या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब का एरिया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा कैसे करवाया जाएगा कहां पर मेंशन है बेटा शेड्यूल नंबर फिफ्थ में कहा गया है जो भी ट्राइबल एरियाज है या फिर शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग शेड्यूल नंबर सिक्स आ जाते हैं शेड्यूल नंबर सिक्स पर आपने हाल ही में देखा होगा फिफ्थ यस yes, चलो सिक्स टाइम डिस्कसिंग आपने हाल ही में देखा होगा प्रोटेस्ट चल रहे हैं कहां पर बेटा लद्दाख में कहा हो रहे हैं बेटा प्रोटेस्ट लद्दाख में हो रहे हैं प्रोटेस्ट लद्दाख में क्या हो रहे हैं बेटा प्रोटेस्ट आपने सबने थ्री इडियट मूवी देखी है जल्दी बताओ मुझे आपने थ्री इडियट मूवी देखी है थ्री इडियट्स थ्री इडियट्स आपने मूवी देखी है

ंग चुक इनिशियशनिस्ट रेंचो हाँ जी रेंचो उनका नाम है बेटा मूवी में डों okay? एक इनिशिएटिव लेने वाला आदमी जो एक सुधार लाना चाहता था ऐसा कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी है मूवी की अब ये आदमी लद्दाख में प्रोटेस्ट पर बैठा हुआ है अनशन पर बैठा हुआ है कारण क्या है कि इनकी चार पांच डिमांड है मुख्य चार डिमांड इनकी चाइनीज जैसा नाम है बेटा लद्दाख में ऐसे नाम होते हैं समृद्धि इनकी मुख्य चार डिमांड है फोर डिमांड ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट भी है बेटा। पहली डिमांड तो ये है कि लद्दाख को आप क्या दे दो स्टेटहुड दे दो स्टेटहुड मतलब लद्दाख को आप एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो लद्दाख अभी क्या है बेटा लद्दाख अभी है एक यूनियन टेरिटरी अभी क्या है लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख 2019 में 2019 में और उससे भी ये इन द ईयर 2019, जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 हटाया गया तो उस स्टेट को दो हिस्सों में तोड़ दिया एक जम्मू एंड कश्मीर बना एक बना लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के पास एक स्टेट असेंबली है लद्दाख के पास एक स्टेट असेंबली नहीं है स्टेट असेंबली का मतलब उनके खुद के लोग चयनित होकर उनके ऊपर रूल करेंगे उनके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वही लोग इलेक्ट होकर उनके ऊपर रूल करेंगे स्टेट असेंबली लद्दाख को एक स्टेट असेंबली दी नहीं अब ये अराउंड तीन लाख पॉपुलेशन है ये अराउंड तीन लाख लोगों के पास थ्री लाख पॉपुलेशन के पास केवल लोकल रिप्रेजेंटेशन के नाम पर एक लोकसभा की सीट है केवल एक लोकसभा की सीट है तो पहले तो ये चाहते हैं कि लद्दाख को स्टेट दे दो ताकि लद्दाख के पास एक स्टेट असेंबली हो दूसरा ये लोकसभा की सीट एक से बढ़ाकर इसको दो कर दो तीसरा लद्दाख को छठे शेड्यूल में ले आओ सर छठे शेड्यूल में अभी छठा शेड्यूल है क्या ये किस क्लास के लिए है सर ये जो भी बच्चे आर e. के लिए आर एम e. के लिए सैनिक स्कूल्स के लिए, लिए, लिए प्रिपेयर कर रही है उनके क्लास के लिए बेटा समझी थी? आप देखो आपको आपको नॉलेज तो कभी किसी के लिए लिमिटेड नहीं होती है नॉलेज का कोई अंत नहीं होता ये नहीं होता कि नॉलेज ये किसके लिए है किसके लिए नहीं है दिस इज फॉर योर एग्जाम्स सिक्स शेड्यूल में क्या है बेटा एम एम टी एम एम टी ए तीन एम लग गई सर मेघालय मणिपुर त्रिपु मेघालय मिजोरम त्रिपुरा असम इन चार स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है इन चार स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि इन चार स्टेट में जनरली ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज को इन पर्टिकुलर स्टेट्स को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा कैसे रन किया जाएगा ओके एम एम टी ए इन चारों स्टेट्स के नाम याद रखना तो लद्दाख की डिमांड क्या है आप छठे शेड्यूल में लद्दाख को भी ऐड कर दो एक इनकी डिमांड है कि इनको एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन दे दिया जाए चार की डिमांड है आपसे क्वेश्चन भी आपसे लद्दाख प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर आजकल आर्टिकल ए शेड्यूल सिक्स बहुत चर्चा में बेटा तो आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा मान लो आपको क्वेश्चन दे दिए आपको दिया गया मणिपुर मेघालय त्रिपुरा और असम। ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी बताओ इन चारों में से शेड्यूल नंबर सिक्स में कौन सी स्टेट नहीं आती बताओ इन चारों में से शेड्यूल नंबर सिक्स में कौन सी स्टेट नहीं आती ऑप्शन ए मणिपुर ऑप्शन बी मेघालय ऑप्शन सी त्रिपुरा ऑप्शन डी असम। हाँ हां जी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ये कि बताओ इन चारों में से शेड्यूल नंबर सिक्स में कौन सी स्टेट नहीं आती समृद्धि सिंह डी जतिन सिंह डी असम बेटा ध्यान से देखो आप चीटिंग भी नहीं कर पा रहे हो सॉरी टू से असम तो है असम इज देर वर्तिका असम इज देर एम एम टी ए शेड्यूल नंबर सिक्स में कौन कौन सी स्टेट आती है आपको पहले बताना चाहिए एक सबसे पहली कौन सी है मेघालय मेघालय आती है फिर सर मिजोरम आती है फिर सर त्रिपुरा आती है और फिर उसके बाद सर आसाम स्टेट आती है तो सर मेघालय भी आती है त्रिपुरा भी आती है आसाम भी आती है सर मणिपुर नहीं आती सर सर मणिपुर का नाम है कहीं सर मणिपुर का तो नाम ही नहीं है कहीं सर मणिपुर का नाम नहीं है तो इन चारों में से कौन सी स्टेट नहीं आती सर सर मणिपुर स्टेट शेड्यूल नंबर सिक्स में नहीं आती एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया अब आपसे और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है देखो अब मेरी बात आपसे और क्या पूछेगा आपको वही चार ऑप्शन दे देगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन बी में लिखा है उसने लद्दाख ऑप्शन ए में लिखा है उसने अंडमान ऑप्शन सी में लिख दिया उसने लक्षद्वीप लक्षद्वीप और ऑप्शन डी में लिख दिया उसने दिल्ली तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया बताओ इन चारों स्टेट्स में से इन चारों यूनियन टेरिटरी में से रिसेंटली कौन सी यूनियन टेरिटरी अपने आप को शेड्यूल नंबर सिक्स के लिए डिमांड कर रही थी बताओ इन चारों में से कौन सी यूनियन टेरिटरी अपने आप को रिसेंटली शेड्यूल नंबर सिक्स के लिए डिमांड कर रही थी कौन सी यूनियन टेरिटरी डिमांड कर रही थी बेटा शेड्यूल नंबर सिक्स के लिए वेरी गुड समृद्धि समृद्धि आंसरिंग सुभाष वर्मा आंसरिंग जतिन आंसरिंग वेरी गुड एवरी वन वेरी गुड एवरी लद्दाखरी ने अपने लिए शेड्यूल की डिमांड करी और बोला कि हमारी चार डिमांड है हमें स्टेट रूट दे दो हमें कौन डिमांड कर रहा था लद्दाख ने डिमांड कर रहा सर तो आंसर क्या है लद्दाख इससे आपका करंट अफेयर का भी क्वेश्चन क्लियर हुआ और मैंने आपको बताया था करंट अफेयर से रिसेंटली करंट अफेयर से स्टैटिस्टिक को जोड़ता रहता है आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट ओके चलो अब हम मैंने पढ़ लिया थर्ड शेड्यूल पढ़ लिया फोर्थ शेड्यूल पढ़ लिया फिफ्थ शेड्यूल पढ़ लिया सिक्स शेड्यूल पढ़ लिया चलो सर आगे चलते हैं ओके यू आर फर्स्ट बेटा वेरी गुड यू आर फर्स्ट सुभाष अब फर्स्ट हो कॉग्रेचुलेशन टू यू अब चलो आगे चलते हैं अब आ जाता है शेड्यूल नंबर सेवन कौन सा शेड्यूल आ गया गुरु जी हमारे साथ शुभम सर भी आप मौजूद है सर ये है सातवां शेड्यूल सेवन शेड्यूल अब सेवन शेड्यूल का पहले ही बात तो तुम ये याद रखना ये बहुत जरूरी है मैं शेड्यूल बाद में बताऊंगा पहले क्वेश्चन बता दूं आपको चलो ठीक है बेटा अगले क्वेश्चन के लिए जो फर्स्ट आएगा उसको आपको एक हम देंगे एक मर्सिडीज का फोटो देंगे बेटा आपको मर्सिडीज मूवी का फोटो आपको मेल कर देंगे हम मर्सिडीज तो जब आप अच्छा वो सिलेक्शन दोगे ना तब देंगे फोटो देंगे आपको एक गिफ्ट देंगे बहुत प्यारा सा चलो पहले आप ये बता दो कि पहला क्वेश्चन मैं आपको ये बता दूं सेवन शेड्यूल कौन से आर्टिकल में आता है यह क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार पूछ लिया आपसे आपसे डैट क्वेश्चन सेवन शेड्यूल कौन से आर्टिकल में आता है आर्टिकल 246 इसलिए सर आपने बड़ा बड़ा लिख रखा है बिल्कुल बड़ा बड़ा ताकि मेरे को दूर से दिख जाए सर आप देहरादून में पढ़ा रहे हो मेरे को मिजोरम में बैठकर दिख जाए कि सर ने आर्टिकल टू बहुत बड़ा लिखा हुआ है फोटो नहीं रियल दे दो सर सर पहले आप फर्स्ट आ जाओ पहले फोटो देंगे बाद में धीरे धीरे शुभम सर हो तो सर देंगे बेटा आपको रियल आप नेक्स्ट पीरियड में हरितोष सर से पूछना हरितोष सर आपको रियल मिला कर देंगे ओके? चलो आप अपने घर में आराम से बैठे हुए हो आराम से सोफे के ऊपर आराम से चिल कर रहे हो भाई मजे ले ले हो अब आपको आपके घर में काम फिक्स है आपने फिक्स कर रखा है कि आप शाम को है शाम का काम करेंगे शाम का काम करेगी दीदी शाम का काम करेगी समृद्धि और दिन में काम करेंगी कौन दिन में काम करेगा हमारा जतिन आपने अपना काम डिवाइड कर रखा है कि झाड़ू कौन लगाएगी झाड़ू लगाएगी समृद्धि और पीछे पीछे पोछा लगाएगा जतिन ये उन्होंने काम फिक्स कर रखा अपना बिल्कुल डन कर रखा कि ये ही है तो अब आपस में उनकी कोई भी बहस नहीं होगी अब उसको पता है कि मेरे को सुबह उठते ही झाड़ू लगानी है तो वो सुबह उठकर आराम से अपनी झाड़ू लगा देगी जतिन को पता है जब झाड़ू लग जाएगी मेरे को पीछे से आराम से पोछा लगाना है तो बार बार उन दोनों को बोलने की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी तो ऐसा ही काम कर रखा है क्या सेवन शेड्यूल में अब ताकि क्लैशिज ना हो स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी इन सभी कामों को स्पेसिफाइडली बता रखा है अब हमारे सेवन शेड्यूल में तीन लिस्ट, है, तीन लिस्ट. तीन लिस्ट कौन, कौन सी है सबसे पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट में वो सभी आर्टिकल्स या है वो सभी सब्जेक्ट्स मेंशनड है कौन कौन से सब्जेक्ट्स बेटा जो सब्जेक्ट्स नेशनल इंपोर्टेंस के लिए जरूरी है और उन पर लॉ कौन बनाएगा उन पर लॉ बनाएगी कौन सी नेशनल गवर्नमेंट या फिर उसको बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ कौन बनाएगी उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट के ऊपर यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे सर सर इसमें वो सारे सब्जेक्ट आएंगे जो हमारे देश में एक यूनिफॉर्म कानून के लिए जरूरी है फॉर एग्जाम्पल डिफेंस फॉर एग्जाम्पल करेंसी अब करेंसी मान लो करेंसी अब पूरे देश में सेम करेंसी चाहिए जो करेंसी जम्मू कश्मीर में है वही करेंसी हमें आंध्र प्रदेश में चाहिए वही करेंसी हमें तमिलनाडु में चाहिए वही करेंसी हमें केरला में चाहिए वही करेंसी हमें हरियाणा में चाहिए और वही करेंसी हमें आसाम में चाहिए तो ताकि जो नेशनल इंपोर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं जो देश के लिए एक यूनिफॉर्म मिट्टी के लिए जरूरी है डिफेंस हो गया अब सुरक्षा सुरक्षा हमें जम्मू कश्मीर की भी उतनी करनी है हमें सिक्किम की भी उतनी करनी है और हमें आंध्र प्रदेश की भी उतनी करनी है ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जो नेशनल इंपोर्टेंस के लिए जरूरी है और एक यूनिफॉर्म कानून कानून जरूरी है जिन पर जिनके कानून अलग अलग नहीं हो सकते वो कहां पर आएंगे वो आएंगे यूनियन लिस्ट में और इनके ऊपर कानून कौन बनाएगी इनके ऊपर कानून बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट सर ठीक है कौन बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट अब अगला अगला है स्टेट स्टेट लिस्ट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है सर जो इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट जिनके ऊपर काम करेगी जो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं जो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं सब्जेक्ट वो कहां पर आएंगे रमन सर अरे सर वो आएंगे सर सर बच्चे रमन सर ने तो नहीं बताया हमारे बच्चे बताएंगे जो सब्जेक्ट स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं वो कहां पर आएंगे बेटा उनके ऊपर लॉ कौन बनाएगी कौन लॉ बनाएगी उनके ऊपर समृद्धि सिंह सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बेटा उनके ऊपर लॉ बनाएगी कौन स्टेट गवर्नमेंट कौन लॉ बनाएंगी बेटा स्टेट गवर्नमेंट्स जो लॉ स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पुलिस फॉर एग्जाम्पल पुलिस पुलिस है आपने देखा ना पुलिस हर एक स्टेट की अलग अलग होती है ऐसा तो है नहीं कि उत्तराखंड की और हरियाणा की एक पुलिस है या फिर बिहार की और झारखंड की एक पुलिस है ऐसा तो नहीं है स्टेट वाइज अलग अलग होती है तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जहां पर स्टेट गवर्नमेंट इंडिविजुअली अपने लॉ बना सकती है और कहां पर आते हैं स्टेट लिस्ट में आते हैं इसके बाद एक तीसरी लिस्ट भी है तीसरी लिस्ट वो तीसरी लिस्ट किसकी है वो तीसरी लिस्ट है सर लिस्ट। वो तीसरी लिस्ट क्या है बेटा वो है कनकरेंट लिस्ट ये वो लिस्ट है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कानून बना सकते हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कानून बना सकते हैं ये वो कौन सी लिस्ट है कनकरेंट लिस्ट फॉर एग्जाम्पल मैरिज फॉर एग्जाम्पल मैरिज फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन ओके okay? ये जरूरी है अब मैरिज के एक्ट स्टेट गवर्नमेंट के भी अलग हो सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अलग हो सकते हैं ओके okay? बट आपको यहां पर एक चीज रखनी है मैंने जब आपको पढ़ाया था मैंने आपको एक चीज बताई थी हमने कैनेडा से एक चीज बोरो की है हमने कैनेडा से एक चीज बोरो की है और वो क्या है स्ट्रोंग सेंटर क्या है वो स्ट्रोंग सेंटर हमने कैनेडा से स्ट्रोंग सेंटर बोरो किया अब स्ट्रोंग सेंटर का मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या है सर स्ट्रॉन्ग सेंटर का यह मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपस में कभी कोलैप्स आता है आपस में अभी कोई दिक्कत आती है तो वहां पर कानून किसका चलेगा वहां पर कानून चलेगा किसका बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का वहां पर कानून किसका चलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कंकरेंट लिस्ट में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा वो वहां पर क्वेश्चन आपसे कैसा पूछेगा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा बताओ अगर कभी कंकरेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोलैप्स हो गया कोई दिक्कत आ गई तो बताओ वहां पर कानून किसका चलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट का या फिर प्रेसिडेंट का बताओ ऑप्शन दो जल्दी दो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी यहां पर है सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर है स्टेट गवर्नमेंट यहां पर है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और यहां पर है प्रेसिडेंट बताओ किसके कानून को मान्यता दी जाएगी किसके कानून को मान्यता दी जाएगी अगर कभी ऐसा केस आ गया कंकरेंट लिस्ट में दिक्कत आ रही है जतिन सिंह बी स्टेट गवर्नमेंट निंगराज तेगी सिंह ए योगेश कुमार ए वेरी गुड बेटा दिस इज ए ए मैंने अभी आपको बताया स्ट्रॉन्ग सेंटर अगर सेंटर है और कभी दिक्कत आ गई कि ऐसे सेंट्रल लिस्ट लिस्ट में में और स्टेट लिस्ट में कोई दिक्कत है और किसका कानून को मान्यता दी जाएगी तो किसका गवर्नमेंट का नंबर सेवन में अच्छा मान लो कोई ऐसा कानून है यू सो बेटा. मान लो कोई ऐसा कानून है जिसको जो किसी भी लिस्ट में, में नहीं है. कोई घर का ऐसा काम है जो किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा जब किसी को पता ही नहीं है वो जतिन को करना है सृष्टि को करना है किसको करना है किसी को नहीं पता वो काम किसको करना है तो उस वहां पर कानून कौन बनाएगा फॉर एग्जाम्पल मान लो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा नाइनटीन फोर्टी 1950 में कंप्लीट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब साइबर क्राइम के नाम से तो कुछ था नहीं साइबर क्राइम के नाम से तो कुछ नहीं था तब तो साइबर क्राइम होता ही नहीं था क्योंकि इंटरनेट इतना था ही नहीं अब साइबर क्राइम हो रहे हैं तो ऐसे रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, तो ऐसे सब्जेक्ट्स, सब्जेक्टिडी सब्जेक्ट्स जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ कौन बनाएगा उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाएगी स्ट्रोंग सेंटर है हमारे पास स्ट्रोंग सेंटर है तो किसकी चलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी सर किसकी चलेगी बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की किसकी चलेगी बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की तो जो सब्जेक्ट्स यहां पर कानून कौन बनाएगा मेरा नेटवर्क इश्यू हो रहा है सर नो प्रॉब्लम समृद्धि एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लो बेटा वहां पर कानून कौन बनाएगा बेटा वहां कानून बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून कौन बनाएगा वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी अगर कोई ऐसा रेजिडरी सब्जेक्ट आएगा जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है ओके okay? ओके okay, चलो ये हमने कौन सा शेड्यूल पढ़ा बेटा ये हमने शेड्यूल पढ़ा शेड्यूल नंबर सेवन कौन सा शेड्यूल पढ़ा ये हमने शेड्यूल नंबर सर अगर वीडियो में इशू रहा हो तो एक सेकंड पीछे कर लो ओके जतिन कुछ सजेस्ट कर रहा है बेटा आप चेक कर लो तो ये कौन सा शेड्यूल पढ़ा हमने सेवन शेड्यूल सातवां शेड्यूल क्या बताता है लिस्ट बताता है सर यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कौन सा शेड्यूल है शेड्यूल नंबर सेवन चलो आगे चलते हैं सर आगे चलते हैं सर आगे पहुंच गए सर लो आगे पहुंच गए आगे आ गया एट शेड्यूल आगे क्या आ गया एट शेड्यूल एट शेड्यूल क्या बताता है सर? शेड्यूल बताता है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताता है कौन सा आठवां शेड्यूल कौन को आई अंडरस्टैंड योर कमेंट आठवां शेड्यूल क्या बताता है हमारे पास इंडिया में कौन कौन सी भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय भाषा नहीं है हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है बेटा ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ये सभी लैंग्वेजेस हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज सर सर टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस है बाइस टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस है कितनी 22 आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा बताओ ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी 20, 22 24, 26। बताओ हमारा हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सृष्टि सिंह कितनी सर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये क्वेश्चन आर एम सी में पूछ लेगा पूछा भी हुआ जबकि तो ऑप्शन नंबर बी अब ये तो है अब आपसे एक चीज और पूछेगा वो अब आपसे वो इसके अलावा क्या पूछेगा सुनो इसके अलावा आपसे पूछेगा बारह चौदह सोलह अठारह सेम ऑप्शन ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी बताओ जब संविधान लागू हुआ था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब उसमें कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी मतलब ओरिजिनली कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज थी ओरिजिनली पूछ रहा है आपसे अब आपसे क्या पूछ रहा है ओरिजिनली ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी सर सर ओरिजिनल थी कितनी फोर्टीन मतलब जब हमारा देश लागू हुआ हमारा सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 में उस कॉन्स्टिट्यूशन को किया गया तब उसमें एट शेड्यूल के अंदर कितनी लैंग्वेजेस मेंशन थी सर सर कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस no, की बात हो रही है यहां पर एंड ओरिजिनली इट है और अब कितनी हो गई हैं अब हो गई हैं सर बाईस ऑफिशियल लैंग्वेजेस अब कितनी हो गई है बाईस पहले कितनी थी सर पहले थी फोर्टीन और आज है टोटल बाईस ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये बहुत जरूरी है सर आपसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा वो बताओ पहले कितनी थी, थी? और आज अब इससे कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं देखो इस एट शेड्यूल से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे पहले तो पूछेगा बताओ ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहां पर मेंशन है कहां पर मेंशन है एट शेड्यूल में पहले कितनी थी पहले कितनी थी सर फोर्टीन अभी कितनी है अब है सर ट्वेंटी ठीक है तीन क्वेश्चन पूछेगा तीनों मैंने आपको बता दिए आगे चलते हैं सर अब आगे आ जाते हैं नाइन्थ शेड्यूल पर अच्छा देखो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब कितने शेड्यूल्स थे इसमें जल्दी से बता दो आई एम रीडिंग योर कमेंट्स जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब इसमें कितने शेड्यूल्स थे कितने शेड्यूल्स थे सर सर ऑप्शंस के बिना तो हम काम ही नहीं करते सर सर ऑप्शंस के बिना तो हम काम ही नहीं करते एट हुई सेइंग एट समृद्धि सेइंग एट चलो ठीक है ऑप्शंस ले लो ए बी सी डी ऑप्शंस है आपके सिक्स एट टेन ट्वेल्व बताओ ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी समृद्धि सेइंग एट निंगराज एट इनसेन किट गोइंग फॉर नाइन सृष्टि कुमारी गोइंग फॉर एट यस

पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लागू थे ओके 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 हरी, हमारे जो भी हमने अब तक शेड्यूल्स पढ़े वो सारे के सारे शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली मेंशन किए गए थे ओके okay? अब हम जो शेड्यूल पढ़ेंगे इसके बाद कौन कौन सा पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे नाइन्थेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ वो सारे के सारे शेड्यूल्स क्या कर रखे हैं वो सारे के सारे शेड्यूल्स अमेंड होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आए हैं चलो आपसे इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछ लू मैं सर इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछ लू चलो सर पूछ लो ऑप्शन पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं आपके लिए क्योंकि आप पहले ऑप्शन मांग लेते हो। ओके। ऑप्शन है आपके लिए सिक्स एट फोर ट्वेल्व सिक्स एट फोर ट्वेल्व सर ऑप्शन लिख दिया क्वेश्चन तो बताओ क्वेश्चन है आपके लिए इनमें से कौन सा शेड्यूल ऐसा है जिसको लागू होने के बाद ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में जिस शेड्यूल जो इनमें से कौन सा शेड्यूल ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था क्वेश्चन फॉर यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स वाज़ नॉट द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज इन्फोर्स इन दर नाइनटीन फिफ्टी चाहर चाह ओके okay, जतिन चार जतिन चार बी की तरफ जा रहे हैं बट यस इनमें से कौन सा शेड्यूल है जो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था इनसे फॉर ए निंगराज गोइंग फॉर विच ऑप्शन इज दिस यस यस सी सिक्स ए सिक्स ए सिक्स ओके ओके बेटा क्वेश्चन नहीं समझे आप मैंने आपसे क्वेश्चन बोला इन चारों शेड्यूल में से हमारे का ओरिजिनली पार्ट कौन सा नहीं था मैंने आपको भी बताया सर पहले आठ शेड्यूल तो पहले से ही थे तो ये भी पहले से था ये भी पहले से था और ये भी पहले से था शेड्यूल नंबर बारह बाद में ऐड हुआ है सर। पहले आठ शेड्यूल तो मेंशन थे पहले से सर जो भी ए सिक्स ए सिक्स डी बी जो भी बोल रहे हैं सब के गलत है

था क्या सुनो अब क्या थे शेड्यूल नंबर नाइन नाइन शेड्यूल पहली बात जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला अमेंडमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला संशोधन कब किया गया 1951 में उसके थ्रू क्या ऐड किया था हमने उसके थ्रू हमने ऐड किया था नाइन्थ शेड्यूल क्या ऐड किया था बेटा नाइन्थ शेड्यूल अब इसके थ्रू हमने दो चार चीजें की थी इसके थ्रू हमने दो चार चीजें की थी सबसे पहले कुछ लैंड रिफॉर्म्स को लेकर आए थे हम सबसे पहले तो हम क्या लेकर आए थे कुछ लैंड रिफॉर्म्स को लेकर आए थे सर सैनिक स्कूल नाइन्थ कट ऑफ होम स्टेट राजस्थान एट सराउंड कितना जाएगा सर राजस्थान में जो सैन स्कूल चित्तौड़गढ़ या फिर झुंझुनू है सर सैन स्कूल चित्तौड़गढ़ का कट ऑफ तो जनरली हाई जाता है तो एट्थ राउंड तक नाइन्थ सर मैं आपको बात बताता हूँ सर राउंड इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो पहले राउंड में अगर सीट कंप्लीट ना हो तो सेकंड में हो जाए सेकंड में ना हो तो थर्ड में हो जाए सर नाइन्थ क्लास में वैसे ही सीट बहुत कम होती है हर एक स्कूल में पॉसिबल नहीं है कि चित्तौड़गढ़ स्कूल का या फिर चित्तौड़गढ़ स्कूल का स्पेशलिस्ट क्योंकि उसका कट ऑफ हाया जाता है कि उसमें एट्थ कट ऑफ तक पहुंच सके बच्चा बाकी पता नहीं होगा या नहीं होगा वैसे कट ऑफ इतना नीचे तो नहीं जाएगी 300 से तो ऊपर ही रहेगी कट ऑफ सर कट ऑफ 300 से तो ऊपर ही होगी जितनी भी होगी 300 से नीचे कट ऑफ आना तो मुश्किल है ओके okay, सर गर्ल्स के लिए नगरोटा सैनिक स्कूल कैसा रहेगा स्टडी कैसी है जितेंद्र पटेल सर मैं आपको बताऊं पर्सनली आपको बताऊं तो मैं भी सैनिक स्कूल नगरोटा से ही पढ़ा हुआ हूं Uh, मेरा स्कूल है एम एन स्कूल नगरोटा तो अपने स्कूल को बुरा तो नहीं बताऊंगा बट आपको बता दू साइंस स्कूल सारे ही बहुत अच्छे होते हैं आप कोई भी साइंस स्कूल देखो सर सारे के सारे साइंस स्कूल बहुत अच्छे हैं सब में एक बहुत रेगुलराइज और सिस्टमाइज सिस्टम system होता है बच्चे को पढ़ाने के लिए सभी सैनिक स्कूल्स में डिफेंस की बच्चे की एनडीए की तैयारी बहुत बेसिक लेवल से करवाई शुरू हो जाती है और सैनिक स्कूल नरोटा बहुत प्यारा स्कूल है सर माता वैष्णो देवी की गोद में बसा हुआ स्कूल तवी नदी के किनारे पर स्थित है बहुत प्यारा स्कूल है सर गर्ल्स के लिए बहुत सेफ है ऐसा कुछ नहीं कि एन्वायरमेंट बहुत है सैनिक स्कूल सारे ही सेफ होते हैं सर साइंस स्कूल नोटा अगर आप मेरे को पर्सनली पूछोगे तो मैं तो बोलूंगा कि अगर आपको साइंस स्कूल मिल रहा है तो आप जरूर जाइए आप रिकन्डर मत कीजिए और गर्ल्स को तो वैसे भी किसी भी साइंस स्कूल को रिकन्सिडर नहीं करना चाहिए क्योंकि गर्ल्स की हर एक स्कूल में सीट कितनी है आपकी कैटेगरी में एक दो एक दो एक दो एक दो आपने नहीं, नहीं किया तो किसी और को चोई सीट मिल जाएगी आप रिकन्सिडर करने की सोचोगे आपके मार्क्स अच्छे भी हैं तो भी आपको स्कूल नहीं मिल पाएगा सर ओके अगर आप पूछोगे अगर आपको साइंस स्कूल नजोटा मिल चुका है तो आप जरूर जाइए ओके चलो सर आगे चलते हैं बातें तो चलती रहेंगी है ना सर टेंथ शेड्यूल अब आ जाते हैं सर टेंथ शेड्यूल पर दसवां शेड्यूल हमारा दसवां शेड्यूल क्या कहता है सर सबसे पहले तो ये फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट इसको नंबर को याद रखना सर इस नंबर को याद रखना सर फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट देखो चलो सर अब मैं आपको एक चीज बताता हूं अब मैं आपको एक चीज बताता हूं मैं आपकी क्लास में आया मैं आपकी क्लास में आया और मैंने आपको बोला कि बेटा आ, 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 आप आप सब जनरल बजे थे मैं आपके बीच में गया और मैंने आपको बोला सर मैं YouTube पर क्लास ले रहा हूं सर सर मैं YouTube पर क्लास ले रहा हूं आप सभी मेरी क्लास में आइए मैं आप सभी को क्या पढ़ाऊंगा मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा मैथ्स मैं आप सभी को क्या पढ़ाऊंगा सर मैथ्स पढ़ाऊंगा आप मेरी क्लास में आ जाओ आप सबने सोचा बहुत अच्छी बात है सर ये तो मैथ पढ़ाएंगे अब भागे भागे आ गए मेरी क्लास में आप सारे के सारे बच्चे मेरी क्लास में आ गए कि सर ने मैथ पढ़ाना है hmm. और जैसे ही आप क्लास में आए मैथ पढ़ाने के लिए आ गए हरितोष सर अब मैंने आपको बोला सर मैथ आपको मैं पढ़ाऊंगा बट मैथ पढ़ाने के लिए आ गए यहां पर कौन आ गए हरितोष सर अब जो बात मैंने आपको प्रॉमिस की थी मैंने आपको प्रॉमिस किया था आपको मैथ मैं पढ़ाऊंगा सर पिंकी प्रॉमिस करता हूं पिंकी प्रॉमिस अब सर मैंने तो प्रॉमिस तोड़ दिया अब सर प्रॉमिस तोड़ने वाला आदमी तो अच्छा होता नहीं है अब ये बात ऋषभ सर ने सिखाई थी सर धोखा मत देना सर किसी को अच्छी बात नहीं होती तो जनता को तो धोखा वैसे भी नहीं दिया जाता तो सुनो हमारे पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है आपको पता जब आप किसी को वोट डालने गए एक साइड खड़े थे अनुज सर एक साइड खड़े थे हरतोष सर अनुज सर ने बोला कि मैं आपके स्कूल में मैं आपको इतना अच्छा आपकी क्लास बनाऊंगा आपकी क्लास में एसी लगवा दूंगा आपकी क्लास में सोफे लगवा दूंगा मैं डेस्क हटाकर अब हरतोष सर ने बोला नहीं सर मैं आपको पेड़ के नीचे पढ़ाऊंगा मैं आपको जमीन पर बिठाकर पढ़ाऊंगा अब जिन लोगों को जमीन पसंद थी उन्होंने हरतोसर को वोट दे दिया अब जिन लोगों को सोफे पसंद थे उन्होंने अनुसर को वोट दे दिया अब मान लो सर स्क्रीन अटक गई कोई बात नहीं अभी तो उठकेगी क्योंकि हरतोस् सर आने वाले हैं तो हरतोस सर के आने से पहले एक बार सिस्टम हैंग हो ही जाता है बेटा ओके वो पढ़ाते ही कुछ ऐसा है तो तो जो बच्चे जमीन पर बैठकर कर अब हरतोसर की काया पलट गई

प्रोमिस तोड़ने वाला आदमी कैसा होता है सर प्रोमिस तोड़ने वाला आदमी बहुत गंदा होता है सर तो प्रोमिस तोड़ने वाले को सजा दी जाती है तो सजा के रूप में हर तो सर को हटा दिया जाएगा ओके पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होता है आपको पता है हमारी पार्टीज जब भी कोई इलेक्शन लड़ती हैं हमारी पार्टी जब भी इलेक्शन लड़ती है वो अपने अपने प्रोमिस करती है मैं ये काम करूंगा मैं ये काम करूंगा मैं ये काम कर दूंगा मैं ये काम कर दूंगा आप प्रोमिस देखकर आदमी को वोट देते हो किस आदमी ने बहुत अच्छे प्रोमिस करे यार इस आदमी को वोट दे देता हूं अब जैसे ही इलेक्शन हुए उस आदमी ने अपना प्रोमिस तोड़ दिया प्रोमिस तोड़ के वो दूसरी पार्टी में चला गया अब दूसरी पार्टी ने कुछ और प्रोमिस कर रखे थे अब आपको तो वो पसंद आया ही नहीं तो इस चीज को बोलते हैं क्या बेटा इस चीज को बोलते हैं डिफेक्शन क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं डिफेक्शन डिफेक्शन मतलब आप इलेक्शन होने के बाद आप पार्टी बदल लो आपने पहले कुछ और बोला बाद में कुछ और बोल दिया पहले आपने कुछ और बोला और बाद में आपने कुछ और बोल दिया पहले आपने वोट दिया किसको जमीन पर बैठने पड़ने के लिए और आ गए आपके लिए कौन आ गए आपके लिए एसी तो ये डिफेक्शन अगर कोई करेगा उसकी सीट क्या कर दी जाएगी रद्द कर दी जाएगी अगर इलेक्शन होने के बाद आपने पार्टी बदली अगर इलेक्शन होने के बाद आपने पार्टी बदली तो आपकी सीट क्या कर दी जाएगी आपकी सीट बेटा खारिज कर दी जाएगी ये कहां पर मेंशन है ये मेंशन है शेड्यूल नंबर टेन में और इस लॉ को बोलते हैं बेटा एंटी डिफेक्शन लॉ इस को क्या बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ चलो जाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसके बाद आपकी छुट्टी कर देंगे क्योंकि सर को बहुत बार बोल चुके हैं सर आज आज ऑप्शन दे देता हूं आपको पहले ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन है 1985, 1986, 1987 और 1988 आपके लिए क्वेश्चन है बताओ शेड्यूल नंबर टेन बताओ शेड्यूल नंबर टेन शेड्यूल नंबर टेन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से साल में ऐड कर दिया गया था योगेश कुमार ने क्वेश्चन पढ़ने से पहले आंसर दे दिया सर 1985। बताओ शेड्यूल नंबर टेन को कौन से साल में ऐड कर दिया गया था सर 19 योगेश कुमार नाइनटीन एटी 1985 समृद्धि गोइंग फॉर ए समृद्धि इज क्लियर वेरी गुड ये देखो ये देखो अर्थो सर हमारे सब बच्चे एक बार पढ़ाते खुश हो गए सर ऑप्शन नंबर ए आएगा सर ऑप्शन नंबर ए 1985 में ऐड किया था अमेंडमेंट कौन सी थी अमेंडमेंट बता दो सर सर अमेंडमेंट कौन सी थी अमेंडमेंट भी बता दो अमेंडमेंट कौन सी थी अमेंडमेंट कौन सी थी सर अमेंडमेंट कौन सी थी ऑप्शन ऑप्शन दे दो सर को पहले फिफ्टी टू फिफ्टी और फिफ्टी कौन सी अमेंडमेंट थी अमेंडमेंट का आंसर दो देन आई एम लिविंग यस

ना हम इनके बारे में जानते हैं ना इनके सवालों के जवाब हम दे पाते हैं तो भाई हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा टॉपिक है दैट इज और राइटिंग अनुसर की राइटिंग नाम से राइटिंग अनुसर की राइटिंग के क्या कहने बहुत मेहंदी टीचर है चले भाई स्टार्ट कर रहे हैं आज मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हैं हेलो सर हेलो बेटा कैसे हैं आप सभी लोग मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आरएमसी आई के एग्जाम नजदीक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप जानते हैं कि ये वो सब्जेक्ट है जो डिसाइड करता है कि बच्चा अंदर आएगा या बाहर जाएगा तो कुछ सवाल जो कल दिए थे जरा उन्हें रिवाइज कर लेते हैं देखते हैं कितने लोगों ने घर पे रिवाइज किया क्वेश्चन है पहला टू थ्री सेवन डिवाइडेड बाई नाइन 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 एंड सेकेंड क्वेश्चन इज वन टू फाइव इज मल्टीप्लाई विद नाइन 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 दो क्वेश्चन कल भी दिए थे मैंने मैंने कहा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर दिए जाते हैं ताकि बच्चा ज्यादा टाइम ले या फिर गलत कर दे या फिर ना करे या फिर छोड़ देता है वी आर फाइन वट अबाउट मैं सही हूँ समृद्धि भी है यहां पर <laughs> ठीक है भाई समृद्धि चले कल अगर आप लोगों ने लाइव क्लास देखी होगी तो उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे हेलो बेटा हेलो वर्तिका तो कल हमने कुछ सम्स किए थे जिनमें इस टाइप के क्वेश्चन है वर्तिका का तो आंसर भी आ गया अरे बाप रे बड़ी जल्दी आंसर आ गया दूसरे वाले का आंसर दूसरे वाले का कल ही हमने क्वेश्चन किए थे कल ही इस टाइप के मेथड हमने सीखा था कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है देखिए जब भी डिवाइड या मल्टीप्लाई में आएगा तो आपको क्या काम करना नो no, मैं मैं नहीं थी चलिए एक बार बता देता कल अगर आप लोग नहीं थे जो आज आए हैं और कल नहीं थे तो जरा देखे थोड़ा सा क्या करना है अगर चार नाइन है ये नाइन की प्रॉपर्टी है चार नाइन है पांच नाइन है तो ऊपर उतने नंबर बना दीजिए कितने नंबर चार नंबर का बना दीजिए यहां पर कितने हैं यहां पर चार हैं ऊपर तीन थे तो हमने एक जीरो लगा दिया जीरो से कोई वैल्यू Uh, कम नहीं होती है तो हमने लगा दिया अब देखिए जब इसे डिवाइड करेगा तो नाइन की प्रॉपर्टी तो रिपीट में डिवाइड देता है पॉइंट लगा देंगे और जीरो टू थ्री सेवन जीरो सेवन जीरो टू थ्री सेवन ऐसे ही चलता जाएगा यही चलता जाएगा कोई भी डाउट नहीं है अगर आप चाहें कैलकुलेटर में रखें आपका आंसर आ जाएगा सृष्टि कुमारी कह रहे हैं सर आंसर आ जाएगा अब देखिए भाई अगर आप एक्चुअली कैलकुलेटर में रख रहे हैं तो आपको कितना टाइम लगने वाला है और जबकि थोड़ा सा मेथड अगर आपको पता है तो आपको बहुत जल्दी आंसर आने वाला इज इट क्लियर आएगा या नहीं, नहीं। दो क्वेश्चन और दे रहा हूं क्योंकि एक दो बच्चे हैं जो आ जाए निंजा राज तो कल आए थे तो आपने कल पढ़ा था आ, आपने भी कल पढ़ा था योगेश जी कुछ और नाम था मैं भूल गया वहां पर ठीक है अगले वाले का देखिए मल्टीप्लाई वाले की ट्रिक मैंने बताई थी कि यह किसके लिए नाइन 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 के लिए क्या करना है इसमें से वन माइनस कर दीजिए कोई भी नंबर अगर आपको नाइन दिखा नाइन दिखा तो आग बद करके आपको एक छोटा सा मेथड करना है मल्टीप्लाई में क्या इसमें से वन माइनस कर दीजिए जो भी आएगा उसको इसमें से घटा दीजिए और जो भी आएगा उसको इसी के आगे लिखिए नाइन में से जीरो गया कितना नाइन नाइन में से वन गया एट नाइन में से टू गया सेवन नाइन में से फोर गया फाइव तो इज इट आंसर वन टू फोर नाइन कैलकुलेटर यूज कर लीजिए और आपको बता रहा हूं मैं ये मेथड इतने ईजी है कि कैलकुलेटर से जल्दी आंसर दे जाएंगे आपके लिए क्लियर हाँ मानव मानव मैं याद रखूंगा योगेश जी रेगुलर आ रहे हैं आप करें भाई मेहनत करें देखिए अगर आगे बढ़ना है कुछ चीज आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करनी है तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं कोई भी शॉर्टकट है ही नहीं जो भी बच्चा एग्जाम निकालेगा आर एम वो भी अभी तक पढ़ रहा होगा वो भी अभी तक पढ़ रहा है जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ये ना समझे कि निकल जाएगा एग्जाम कल पढ़ लूंगा परसों पढ़ लूंगा सर के तो लाइव आ जाते हैं रेगुलर ड्रीमर्स की टीम दिख जाती है लाइव तो ये आप लोगों के लिए टीम आ रही है और इसका मेन टारगेट है भाई रिजल्ट देना और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कि जिसका एग्जाम निकलेगा वो भी खाली बैठा होगा ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए जो भी निकल रहा होगा आप उसका इंटरव्यू देखेंगे आपको बोलेगा वो कि सर मैं रात को शाम को हर टाइम पढ़ता था छः घंटे पढ़ता था सात घंटे पढ़ता था स्कूल के आने के बाद एक घंटा ब्रेक करता था फिर पढ़ता था तो ध्यान रख लीजिए अगर आपने एक भी क्लास छोड़ी तो आप उस बच्चे से डायरेक्टली पीछे इसमें कोई ये नहीं कि आपको बुरा लगेगा कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जो बच्चा मेहनत करेगा वो निकलेगा ठीक है ये पहले का तो जमाना है नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा आप जानते हैं तो भाई ऐसा नहीं है आपको पढ़ना ही पड़ेगा दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है और कहीं सोच रहे हो सर आजकल तो बहुत सारी स्कीम आ रही हैं कि भाई अमीर बन जाओ ये बन जाओ तो कोई असली मेहनत अगर आपको करनी है बेटा तो आपको करनी है हाँ ड्रीम इलेवन बहुत सारे आते हैं सर अब तो छोटे छोटे बच्चे भी पता नहीं कहां से पता चला सर ड्रीम इलेवन तो उन चीजों के प्रति ना जाए लोग बुड्ढे हो गए हैं, बुढ़े हो गए उसे खेलते खेलते पैंतालीस के हो गए और इतने बुढ़े हो गए तो भाई ऐसी चीजों की तरफ ना भागे मेहनत 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 कुछ भी शॉर्टकट नहीं है किसी चीज का जरा इसका आंसर बता दीजिए भाई क्या आंसर आएगा जल्दी से क्या आंसर आएगा भाई चलो भाई आ, अभी आंसर नहीं आया अब आ रही है अब आ रही है आ आ रही है, आ रही है है अब अब बेटा इज इट क्लियर यहां तक ठीक है चलिए आज थोड़ा जरा माइक का इशू हो गया था तो जरा देखते हैं भाई सबसे पहले देखिए क्या करना है जितने ये नंबर है उतने ऊपर नंबर बना दो लो भाई और नाइन की प्रॉपर्टी कल भी बताई थी नाइन ऐसा नंबर है ना इतना खतरनाक नंबर है रिपीट में देता है आंसर यानी इसको ही चार नंबर को रिपीट कर देगा जीरो जीरो टू सेवन बस पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा जीरो जीरो टू सेवन जीरो जीरो टू सेवन ये चलता जाएगा ठीक है यहां तक क्लियर है भाई सर मैंने फर्स्ट आंसर दिया था समृद्धि अरे भाई बहुत बढ़िया देखिए पढ़ें कहीं से पढ़े अच्छी चीज आपको कहीं से भी मिल रही है उसे पढ़े आपको लगता है कि सर एक और चैनल है बहुत अच्छा पढ़ा रहा है सर और उसका जो क्वेश्चन है मेरे को भी आ रहे हैं तो आप जरूर पढ़ें कहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे पढ़ें लेकिन आप कंपेयर जरूर करें कंपेयर जरूर करें कि कौन ऐसा कंटेंट और इस तरीके से पढ़ा रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए अब क्या होता है कि बहुत सारे चैनल वाले क्या करते हैं बहुत इजी इजी चार क्वेश्चन कराते हैं और बच्चों को लगता है अरे ये तो बहुत शॉर्ट ट्रिक है और ये तो बहुत मजा आ रहा है इसमें और एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आता है इसलिए हमारा मेन कंसर्न है हमारा कंटेंट जो आपको क्वेश्चन दिया जा रहे हैं आप किताबों में ढूंढ लीजिए आपको नहीं मिलने वाला है चाहे किसी भी टीचर का वो हमारा यहाँ पर कंटेंट आपको इतना बेस्ट मिला जाएगा कि भाई आपके एग्जाम निकलेंगे कैसे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे भाई ये वो क्वेश्चन है जो कल हमने पढ़े थे इसको देखते हैं और ऐसा नहीं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं सर कहीं से कॉपी कूपी करके और बाद में कॉपी राइट आ जा रहा है उन पे। तो ऐसा ना करें भाई हमारा जो कंटेंट है आपको बेस्ट से बेस्ट मिलेगा क्या भैया आंसर आएगा भाई आंसर नहीं आया अभी ईस्ट टू वेस्ट ड्रीमर्स एकेडमी बेस्ट अच्छा हमारा जो मेन ध्याय है वो है बस सिलेक्शन बच्चा सेलेक्ट हो जाए कैसे भी करके जो मेहनत कर रहा है उस बच्चे का समय खराब नहीं होना चाहिए और ना ही उसका रिजल्ट खराब होना चाहिए ठीक है देखिए भाई आंसर भी आ गया चलिए मैं आपको बता देता हूँ अब देखिए कल हमने सिखाए थे कि भाई एक टाइप के तो भाई कुछ नहीं करना नाइन वालों को पीछे की तरफ उन्हें पीछे की तरफ लिख दो ठीक है और ये नाइन 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 तो सबसे पहले देखो इन्हें सॉल्व करेंगे इनको सॉल्व करते हैं इसमें से वन माइनस आएगा नाइनटी सिक्स नाइनटी सिक्स को इसमें से घटाएंगे नौ में से नो गए जीरो नौ में से चाहिए तीन नाइन सिक्स जीरो थ्री तो इस वाले से आएगा भाई इन दो नंबर से अगला नंबर क्या नाइन सिक्स जीरो थ्री इंटू नाइन 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 कम्यूटेटिव लॉ

थोड़ा सा गलत है थोड़ा भी तो नहीं कहूंगा लेकिन तो गलत है गलत है कोई बात नहीं आपने कोशिश की वर्तिका बहुत बढ़िया बाकी लोगों ने तो कोशिश ही नहीं की आंसर ही नहीं सर हमारे। आंसर ही ही नहीं नहीं आया सर हमारे आए हमारे ठीक है यहां तक चले आगे चल रहे हैं आज हमारा नया टॉपिक है हमारा मेरा सही है समृद्धि कह रही सर मेरा सही है आपने तो आंसर ही नहीं दिया समृद्धि मैंने दिया है सर कहां पर दिया है समृद्धि ने आंसर रे समृद्धि का तो आंसर मुझे तो दिख नहीं रहा है लेकिन कोई बात नहीं भाई आपने अगर किया भी है कॉपी में तो भाई अच्छी बात है आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आज नया टॉपिक ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन का है जरा इस टाइप के क्वेश्चन को जरा हम कर लेते हैं हमने एक क्वेश्चन लिखा थ्री टू बाई प्लस सेवन वन बाई थ्री इसका आंसर बताना अभी छोटा क्वेश्चन है उसके बाद फिर बड़ा 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 ऐसे करके आएगा आपको आंसर बताना क्या आंसर आ जाएगा इसका इसका आंसर क्या आएगा भाई टू थ्री टू बाई थ्री प्लस सेवन वन बाई थ्री देखिए पहले मैं आपको छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक्चुअली कितना टाइम उनको लगता है फिर हमें इनके शॉर्टकट्स या कुछ एक्स्ट्रा क्यों पता होने चाहिए ऐसा तो नहीं कि सर हमारे बेसिक से भी वही आंसर आ रहा है जो आप लोग शॉर्टकट बता रहे हैं आप कंपेयर कर लीजिए आपको दिख जाएगा डिफरेंस और अगर हम आपको यहाँ पर कुछ सिखा रहे हैं तो बेटा आप कहीं से भी कंपेयर वो आपको नहीं मिलने वाला कहीं नहीं मिलने वाला कुछ चीजें मिलेंगी वो भी यहाँ से जब यूट्यूब पर चीज़ें पड़ जाएंगी उसके बाद लेकिन उससे पहले नहीं मिलने वाली ठीक है एक ने कहा सर थर्टी थ्री बाई और एक ने कहा सर थर्टी थ्री बाई थ्री सृष्टि करिए सर ये आएगा एलेवन आएगा सर देखिए किसी का थर्टी थ्री बाई थ्री आया चलिए पहले है मैथड वन जो हम लोगों ने ट्राई किया कुछ ने ट्राई किया होगा मैथड टू लेकिन कुछ ने मैथड वन ही किया है मैथड वन क्या कहता है देखो क्या होगा भाई थ्री थ्री जै नाइन और टू एलेवन बाई थ्री यहाँ तक आई होप सभी जानते हैं अगर आर आई एम सी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेटा ये जानना चाहिए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत की जरूरत है बहुत मेहनत की जरूरत है अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आ रहा है क्योंकि एग्जाम जिसके लिए आप जा रहे हैं टफेस्ट एग्जाम है टफेस्ट इंडिया का देखेंगे भाई सेवन थ्री से ट्वेंटी वन और वन ट्वेंटी टू बाई थ्री अब देखिए सेम सेम है तो इसको क्या करेंगे कॉमन आ जाएगा एलेवन प्लस ट्वेंटी टू फिर देखिए भाई थर्टी थ्री बाई थ्री फिर हम सॉल्व करेंगे आंसर आएगा कितना ग्यारह जबकि एक छोटा क्वेश्चन है छोटा क्वेश्चन है छोटा क्वेश्चन है लेकिन हमारा आंसर ग्यारह आएगा लास्ट तक ठीक है थर्टी थ्री बाई थ्री आया वही वही इलेवन आ जाएगा क्या मेरा कमेंट दिख रहा है वर्तिका समृद्धि आपके कमेंट तो ठीक है अब देखो जरा मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ मेथड टू जो इजी है मैथड देखो भाई थ्री थ्री जरा नाइन और टू इलेवन बाई टू है कभी भी ऐसे फ्रैक्शन है तो इसे हम अलग कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसकी वैल्यू पे अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा जरा पहले मैं सॉल्व करके बताता हूं वन आएगा या तीन से मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी तीन से नाइन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री वापिस बन जाएगा इलेवन बाई थ्री यानी किसी भी नंबर को जो ऐसा फ्रैक्शन लिखा है इसको डायरेक्टली हम ब्रेक कर सकते हैं थ्री प्लस टू बाई थ्री करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया कि इसकी वैल्यू भी वही आने वाली है जो यहां से आई है इलेवन बाई थ्री ठीक है यहां तक प्लस 7 3. 7 3, 10. 3 लेकिन बड़े में आपको दिख जाएगा ये कितना कंफर्टेबल कितना है कितना इजी टू हैंडल है इससे कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा सर मुझे मेथड वन अच्छा लगा ठीक है अगले क्वेश्चन में आप मेथड वन से करें हम मेथड टू से करेंगे ठीक है भाई यहां तक देखते कौन आंसर जल्दी देगा चलिए सृष्टि है मेथड वन अच्छा लगा सर ये तो मैंने क्लास फोर्थ में पढ़ा था बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगर आपने पढ़ा है तो भाई आपको आंसर बताना है बड़े क्वेश्चन का ये तो छोटे क्वेश्चन है ये तो आपको लग रहा है कि सर ये तो क्लास थर्ड फोर्थ में पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया बात है भाई अब देखिए क्या है मेन अगर आर एम सी की हम बात करें तो दो या चार नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें एक इस तरह का क्वेश्चन भी आता है अगर लास्ट प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन उठाएंगे तो हमें तो सारा कंटेंट करना है चाहे दो नंबर हो चार नंबर हो बस हमें क्या है वो पढ़ना है जिनको आता है अच्छी बात है जिनको नहीं आता है हमारा मेन कंसर्न है हर एक बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं हर एक बच्चा हर एक बच्चे को पढ़ाना है जिनको आता है अच्छी बात है जिनको नहीं आता वो करेंगे जरा आंसर बताएंगे इसका जल्दी से देखते हैं भाई मेथड वन और मेथड टू जो आपको कन्वीनियंट लगता है जो आपको कन्वीनियंट लगता है उससे करें बस आंसर निकाले सुमन यादव कह रहे से आंसर आ गया अरे बड़ी जल्दी कर लिया सुमन यादव ने कहा सेवन आंसर आएगा बहुत जल्दी बहुत जल्दी आंसर कर दिया बाकी लोग क्या कहते हैं अरे बाप रे अब देखो सेवन 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 आंसर आ गया वर्तिका का आ गया समृद्धि का आगे <laughs> सबका भाई सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन समृद्धि कह रही एक्सप्लेन करो लेकिन मेरा आंसर आ गया है समृद्धि बेटा बाकी को कॉपी नहीं करना है देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये मेथड क्यों आपको पता होना चाहिए हाँ किसी ने पढ़ा है फिफ्थ में पढ़ा है सिक्स में पढ़ा है सेवन्थ तो में पढ़ा है अब दो नंबर के लिए हम अगर एक बार पढ़ ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखो क्या होगा फ्रैक्शन को तोड़ दो भाई इसको लिखो वन वन नाइन प्लस टू बाई सेवन कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी नंबर पर ब्रेक कर दो ठीक है प्लस इसको भी ब्रेक कर दो थ्री हंड्रेड प्लस फाइव बाई एट अगर अगर आप इसे सेवन इंटू वन नाइन वन वन नाइन प्लस टू कर रहे हैं बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी ये क्वेश्चन लंबे से लंबा बन जाएगा और इतनी बड़ी कैलकुलेशन आएगी कि भाई आपका टाइम तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा आई यूज मैथा टू ठीक है मैथा टू से इजी आ जाएगा अब देखिए भाई माइनस चेक करेंगे यहां पर यह लिखेंगे फोर अब देखिए प्लस टू बाई सेवन इसका मतलब यही तो होता है माइनस का साइन बाय ट्वेल्व प्लस फाइव बाई एट मैंने कहा फ्रैक्शन वाला कभी भी ऐसा आ रहा है तो इसको ब्रेक करके आप सेपरेट लिख सेपरेट लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अब देखिए माइनस फोर हंड्रेड माइनस टू बाई सेवन माइनस ट्वेल्व माइनस फाइव बाई एट अब देखिए जो घट रहा है उसे घाट देंगे फाइव बाई एट फाइव बाई एट टू बाई सेवन टू बाई सेवन ये कट गया अब देखिए ये हो गया 300 और 400 400 में से 300 गए माइनस 100 आएगा और 119 माइनस 100 वो हो जाएगा कितना 19 19 माइनस 12 बचा 7 आंसर आ जाएगा हमारा जो मेन कंसर्न है कि भाई आपका जो टाइम है वो कम लगना चाहिए बहुत डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन अच्छा <laughs> देखो किसी को तो आ गया किसी को बहुत ईजी लगा क्योंकि किसी ने पढ़ा है जिसने नहीं पढ़ा है तो उससे पूछे कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं वाह 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 वेरी इजी वही मेथड आपको अप्लाई करना है इतना बड़ा अगर पढ़ने पे जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ठीक है यहाँ तक मैथड टू इजी है क्लियर है, है एक लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जिसको आ गया है जिसको आ गया, गया जरा देखते हैं टाइम भी चलता रहेगा भाई टाइम भी आपका चलता रहेगा फास्टली आपको आंसर देना कि क्या आंसर आएगा देखते हैं कौन कौन जल्दी से आंसर बताता है देखते कौन जल्दी से आंसर देता है कौन जल्दी से आंसर देता है एक सेकेंड है यहां पर थोड़ा सा चेंज करना बेटा 200 हंड्रेड कर देना टू हंड्रेड प्लस थ्री बाई फाइव चलिए थोड़ा सा चेंजेस थोड़ा सा चेंजेस आप लोग कह रहे हैं सर थोड़ा क्वेश्चंस को जरा टप बनाने के लिए क्योंकि कोई लिख रहा है सर बहुत इजी है तो थोड़ा जरा उस क्वेश्चन को टप बनाने के लिए मेरे क्वेश्चन लिखा है जरा देखते हैं क्या आंसर आएगा चलो भाई क्या आंसर आएगा पंद्रह भी आंसर आ रहा है गलत 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 भाई गलत 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 <laughs> देखो सबके आंसर भी आ गए लेकिन गलत है जल्दी नहीं जल्दी नहीं आराम से क्वेश्चन देख लीजिए आप क्वेश्चन देख लीजिए लास्ट में थ्री बाई फाइव भी है कहीं उसे ना भूल जाए फिफ्टीन आंसर आ रहा है टू हंड्रेड आंसर आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा वेट करें अभी भी <laughs> आंसर आ गया नि, निंजा राज का आ गया हाँ थ्री हंड्रेड सेवेंटीन आया है कुछ ऐसा तो आंसर नहीं आएगा आराम से क्वेश्चन जरूर देखे भाई थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है टेक टाइम कोई जल्दबाजी नहीं है हमारा काम है कि भाई अगर मैं आप दो नंबर का सिखा रहा हूं तो दो नंबर का हर एक को आना चाहिए वो दो नंबर एक के भी मिस नहीं होने चाहिए 317, 317 सेवनटीन तो नहीं आ रहा है अभी भी सही आंसर आई थिंक मुझे लग नहीं रहा अभी किसी का सही आया है अभी तक नहीं नहीं वर्तिका का भी सिस्टम नहीं अभी तो नहीं आ रहा है क्वेश्चन भाई एक बार जरूर देख लें आप लोग थ्री 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 वन सेवन थ्री वन सेवन चलिए मैं ही बता दूं बताइए क्योंकि भाई आंसर किसी का भी, भी सही नहीं है आप मदद ले सकते हैं आप गूगल कर सकते हैं आपने पढ़ा है आप बताएं कि क्या आंसर आएगा सॉल्व करें टू हंड्रेड सेवनटीन टू बाई सेवन माइनस फोर हंड्रेड फाइव बाई एट प्लस टू हंड्रेड फाइव बाई सेवन प्लस टू हंड्रेड फाइव बाई एट प्लस थ्री बाई फाइव मेरा तो माइनस में आंसर आ रहा है सम... नहीं नहीं माइनस में तो नहीं आएगा आंसर तो प्लस में ही आएगा समृद्धि बेटा आंसर तो प्लस में ही आएगा आंसर आ रहा है तो नहीं आएगा ना आप लोगों ने क्वेश्चन देखे भाई क्वेश्चन जरूर देखे आप लोग मेरे को लग रहा है आप लोगों ने आधा क्वेश्चन जो लिखा था उसी को ही फॉलो किया है उससे आगे नहीं किया आप लोगों ने माइनस में आ रहा है चलिए मैं ही बता देता हूं भाई आप बताओ सर ठीक है आप लोगों ने देखिए सबसे पहले देखो इसको लिख सकता अब देखिए माइनस का साइन आएगा फोर हंड्रेड प्लस फाइव बाई एट होगा लेकिन माइनस के कारण ये दोनों माइनस में हो जाएंगे फोर हंड्रेड माइनस फाइव बाई एटीन प्लस टू हंड्रेड प्लस फाइव बाई सेवन प्लस टू हंड्रेड प्लस फाइव बाई एट ठीक है यहां तक प्लस थ्री बाई फाइव अब देखिए अगर कोई नंबर कट रहा है तो उसे काट देंगे भाई कौन सा माइनस फाइव बाई एट और प्लस के फाइव बाई एट ठीक है और जरा देख लेते हैं भाई 200, 200 प्लस का है और ये माइनस का 400 है ये पूरा कट गया ठीक है ठेके? यहां पर क्या बचा ये बचा 217 और टू टू बाई सेवन प्लस 5 बाई सेवन देखिए 2 और 5 कितना होता है 7 बाई सेवन सेवन बाई सेवन का मतलब कितना 1 यानी इसको और इसको सॉल्व करके कितना आ गया 1 आ गया अब देखिए यहां कितना बचा 217 हंड्रेड सेवनटीन प्लस वन प्लस थ्री बाई फाइव बचा है यहां पर तो ये हो जाएगा 218 हंड्रेड एटीन प्लस थ्री बाई फाइव अब देखिए भाई मैंने आपको कहा कि कहीं पर भी अगर नंबर ऐसे लिखा है चार सही तीन बटे पांच तो फोर प्लस थ्री बाई फाइव लिखो और कहीं पर ऐसे लिखा है तो इसको डायरेक्टली यहां पर ऐसे लिख दो तो यहां पर जो क्वेश्चन है ट्वेंटी एट प्लस थ्री बाई फाइव तो डायरेक्टली हो जाएगा टू हंड्रेड एटीन थ्री बाई फाइव आप कितना टाइम लगा लीजिए भाई आंसर यही आने वाला है आप कुछ भी कर लीजिए सेवन सिक्स फाइव वन ये आंसर आ रहा है ये तो आंसर नहीं आने वाला भाई आप देख लीजिए आंसर आपको अगर लग रहा है कि सर आपने कहीं गलती कर दी है या फिर मैंने गलती कर दी तो चेक जरूर करें और मुझे बताएं क्लियर है या नहीं है मुझे नहीं आ रहा समृद्धि कह रहे हैं सर आप बताओ मुझे नहीं आ रहा है ठीक है समृद्धि अब देखें भाई अब आंसर सही है या नहीं है जस्ट टेल मी कि सर हम समझ जाएंगे या नहीं समझ जाएंगे फिर मैं अगला टाइप करा रहा हूँ फिर मैं अगले टाइप पे आ रहा हूँ कि अगला टाइप क्या है नो सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन देखो लुक एट लुकेटिया दोबारा देखें मैं दोबारा से ही पूरा क्वेश्चन बता देता हूं कोई डाउट नहीं करना है आपको इसको लिखेंगे 217 हंड्रेड सेवनटीन प्लस टू बाई सेवन इसको लिखेंगे माइनस फोर हंड्रेड अब जरा थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना ये माइनस का फाइव बाई एट होगा क्योंकि माइनस बाहर है फोर हंड्रेड प्लस फाइव बाई एट ऐसा हो जाएगा ये भी माइनस और इसके आगे माइनस कोई डाउट यहां तक भाई समझ नहीं आया कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई नो सर एक्सप्लेन मैं दुबारा कर रहा हूं जरा मुझे बताना कि कहां पर तक बड़ा क्वेश्चन है तो बिल्कुल भी बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि सर नहीं आ रहा तो छोड़ी दू इसे मैं नहीं समझ रहा कोशिश जरूर करें ठीक है <laughs> यह आ जाएगा टू हंड्रेड प्लस फाइव बाई एट प्लस थ्री बाई फाइव कोई डाउट यहां तक किसी को पहले यहां तक बताएं समृद्धि कोई डाउट यहां तक किसी को ठीक है ओके सर चलिए उसके बाद देखें बेटा माइनस का फाइव बाई एट और प्लस का फाइव बाई एट है ये तो जीरो हो जाता है ठीक है यहां तक अब मैंने क्या किया माइनस का फोर हंड्रेड है और टू हंड्रेड और टू हंड्रेड फोर हंड्रेड प्लस का है तो 400 प्लस का 400 माइनस का कट जाएगा ठीक है यहां तक अब जरा देखते हैं भाई मैंने लिखा 217 बचा और बचा कितना 2 by 7 प्लस 5 by 7 प्लस 3 by 5 ठीक है यहां तक अब देखिए 2 by 7 प्लस 5 by 7 7 by 7 सेम आएगा तो 5 by 7 और 7 by 7 कितना हो जाएगा भाई 7 by 7 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 by 7 और 7 by 7 का मतलब कितना मतल प्लस थ्री बाई फाइव तो ये हो जाएगा फाइनली टू वन सेवन प्लस वन प्लस थ्री बाई फाइव और फाइनली टू हंड्रेड एटीन आ जाएगा टू हंड्रेड एटीन और थ्री बाई फाइव है उसको डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं कोई गलती नहीं होगी आंसर अब आ जाएगा हर एक को समझ अरे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा अरे आ जाएगा ओके सर ओके चले भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ठीक है आगे चलते हैं आगे चलते हैं ठीक है आगे सर एक लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जल्दी से मुझे इसका आंसर

6, 9, 3 plus 2 by 3. बाकी लोग देखते हैं भाई क्या आंसर आएगा सिक्स नाइन थ्री टू बाई थ्री कह रहे हैं कोई कह रहा है सिक्स नाइनटी थ्री टू बाई थ्री बाकी लोग क्या कहेंगे भाई बाकी लोग क्या कहते हैं क्या ये सही है या गलत है क्या ये सही है बाकी लोगों का भी आंसर वही आ रहा है सिक्स नाइनटी थ्री प्लस टू बाई थ्री यानी सिक्स नाइन्टी थ्री टू बाई थ्री वहां पर टू भी है उस टू को भी आपने जोड़ दिया है चलिए भैया इसको देखिए क्या लिखेंगे थ्री हंड्रेड प्लस टू बाई सेवन माइनस फाइव हंड्रेड टेन माइनस फाइव बाई सिक्स एट हंड्रेड प्लस फाइव बाई सिक्स हंड्रेड प्लस फाइव बाई सेवन प्लस टू प्लस टू बाई थ्री

ठीक है अब देखिए टू बाई सेवन प्लस फाइव बाई सेवन कितना हो जाएगा वन हो जाएगा और प्लस टू प्लस टू बाई थ्री इज इट क्लियर यहाँ तक ठीक है अब देखिए ये दोनों भी जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना वन वन जीरो थ्री और ये सौ और जुड़ जाएगा यानी ये हो जाएगा वन टू जीरो थ्री माइनस फाइव हंड्रेड टेन प्लस टू बाई थ्री थ्री आ जाएगा टेन में से वन गए नाइन आ जाएगा और इलेवन में से फाइव गए सिक्स आ जाएगा सिक्स नाइन थ्री टू बाई थ्री बिल्कुल सही है भाई बिल्कुल सही है आप लोगों के बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है सर अच्छा चलिए भाई आप लोग देखें लेकिन बहुत बढ़िया भाई आज हम अगला जो अगला टॉपिक है उसको स्टार्ट कर देते हैं फ्रैक्शन वाला कंप्लीट है तो आई होप आपको यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रैक्शन का ये डिवाइड मल्टीप्लाई का आता है तो मैं बता देता हूँ जिसको आता है अच्छी बात है जिसको नहीं आता ये सिर्फ उनके लिए है इस बता दीजिए क्या आएगा? अच्छा देखिए आप क्या आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं इनको अच्छे से कर लेना बस इनको अच्छे से कर लेना आप क्योंकि इसी तरह के दस क्वेश्चन करने से अच्छा कि एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना आप ट्वेल्व बाई सेवन आंसर आ गया अरे बहुत जल्दी आंसर आ गया भाई चलिए सभी का आंसर आ गया बाप रे फाइव बाई सेवन इंटू थ्री बाई फाइव मल्टीप्लाई देखिए डिवाइड मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ना बच्चों को कंफ्यूजन होता है जिसको आता है अच्छी बात है जिसको कंफ्यूजन है ये उनके लिए कुछ नहीं करना कहीं पर भी डिवाइड साइंस को पलट दो अगले वाले को फाइव बाई एट फिर डिवाइड आया पलट दो एट बाई सिक्स और बाकी ऐसे ही रहेंगे और बाकी तो आपको काटना है भाई एट से एट कट जाएगा फाइव से फाइव कट जाएगा और कौन कटा फाइव थ्री या फिफ्टीन थ्री से ये सिक्स कटा टू बार और आई थिंक आप लोगों ने गलत किया अच्छा अच्छा फाइव अच्छा, से फाइव कर दिया ठीक है भाई ठीक है 24 से 12 कट जाएगा सही है भाई आप लोग आप लोग जनता जनार्दन सही है 12/7 आप लोगों का आंसर आ जाएगा 12/7 को लॉक कर दिया जाए लॉक कर दिया भाई और आप लोग सही हैं जीत गए आप लोग 7 करोड़ रुपए लेकिन आपको यहां पर 7 करोड़ नहीं जीतने हैं आपको जीतने हैं आरएएमसी और सैनिक की सीट वही आपका इनाम है ठीक है आ, आगे चलते हैं आगे चलते हैं

पर आर की सीट जीतनी है आपको आर एम सी की सीट जीतनी भाई आपको तो जरा मुझे बताएं स्क्वायर इसका जरा कर लेंगे जरा इसका स्क्वायर बता दीजिए 127 का स्क्वायर अच्छा स्क्वायर स्क्वायर रूट वन फोर एट नाइन किसी का तो आंसर ठीक है मैं बता देता हूँ लेकिन अगर किसी ने पढ़ा तो भाई ज़रा आंसर बता दीजिए कि कैसे किया था हमने देखिए भाई इसको आपको बताया था मैंने कि इस टाइप के कभी भी आता है तो लास्ट नंबर को तो अलग रखें आप लास्ट नंबर को अलग रखें तो देखिए कैसे करेंगे इस बार मैं जीतूंगी सात करोड़ अरे की सीट जीतनी जीतनी है 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 सैनिक की करोड़ जीतना तुम्हें तो देखो क्या करना बिल्कुल हल्का आप नंबर आपने सेपरेट थे, एक ट्वेल्व किया था सेवन किया था इनकी मल्टीप्लाई और जो ऊपर पेड़ के ऊपर से जो उन्हें देख रहा है कौन टू पेड़ के ऊपर बैठा उसकी मल्टीप्लाई। जा टी फोर इंटू टू फोर जो भी आया उसको जोड़ दीजिए बस आंसर आ जाएगा जरा एक बार समझ आया नहीं आया फिर मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं भाई है भाई एक क्वेश्चन आपके लिए अगर आपको समझ आ गया है यस सर समझ आ गया पेड़ के ऊपर <laughs> हाँ ये पेड़ को भाई ध्यान रख रहा हूं ना याद करने के लिए दो आदमी है और एक पेड़ से उन्हें देख रहा है तो भाई दोनों की मल्टीप्लाई वो पेड़ के ऊपर जो बैठा है उसे आपको जरा देखता हूं एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जरा इसका आंसर बताएंगे भाई चला इसका आंसर बताएंगे आंसर आने लग गए भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा थोड़ा पानी पीने चल गया था अगला अगला देखेंगे भाई <laughs> देखो अगर आप इसको इस मेथड से करते हैं तो आप फंस जाओगे चक्कर भी में आपको क्या करना है भाई का मल्टीप्लाई पच्चीस फोर फोर में, में जाके ट्वेंटी पी, बैठा पीला कौ उसकी मल्टीप्लाई उसकी मल्टीप्लाई ट्वेंटी जो भी आएगा उसको जोड़ देना और आंसर आ जाएगा और बाकी पांच की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई भी दी अगर आपको याद होगी फोर सिक्स टू टू फाइव सबसे पहला आंसर आई थिंक वर्तिका ने या समृद्धि ने दिया देखिए कमेंट बहुत ज्यादा है आई एम अगेन समृद्धि ने आंसर दिया भाई लॉक कर दें और आप फिर जीत चुके हैं आर आई है, एम सी की सीट एक लास्ट क्वेश्चन फिर आज का जो सेशन हम इसको कंप्लीट कर दें क्योंकि अगले टीचर्स हैं तो काफी प्रेशर कर रहे हैं कि सर जल्दी से दे दीजिए और हमें पढ़ाना है आज हमें तांडव करना है क्लास में आज तबाही मचानी है देखिए हमारे सारे टीचर्स हैं बिल्कुल पढ़ाई के लिए डेडिकेशन है सुबह से तैयार कर रहे थे ऐसे नहीं कि सो रहे हैं जर और किसी भी दोस्त क्या तो ऐसे नहीं है मेहनती टीचर है अगला लास्ट क्वेश्चन लास्ट और भाई अभी ड्रीमर्स अकेडमी एनडीए में कोई भी आपका दोस्त या बड़ा भाई है जो एनडीए की तैयारी कर रहा तो उस पर हमारी लाइव क्लासेस चल रही है टीचर है शाम तक कह रहे हैं कि एक बूंद पानी तक नहीं पिएंगे जब तक पूरी मैराथन खत्म नहीं करेंगे कोल्ड्रिंक भले उन्होंने अपने पास रखी है पर पानी की एक बूंद नहीं पिएंगे तो आपको बताना इसका आंसर क्या आएगा क्या आएगा आंसर जल्दी से जल्दी से क्योंकि अगली क्लास का टाइम हो रहा है जल्दी से आप लोग बताएंगे तो आपका कोई भी भाई है या फिर दोस्त है या पड़ोसी है तो उन्हें जरूर सजेस्ट करें कि भाई ड्रीमर्स अकेडमी में एन की क्लास आर के लिए हर एग्जाम के लिए तैयार जो क्लासेस है उनकी तैयारी कराई जा रही है भाई तो आप आंसर आ चुके हैं भाई आंसर आ चुके हैं थर्टी सिक्स आंसर आया चले आंसर मैं बता देता हूँ फिर हम अपना सेशन कंप्लीट कर रहे हैं सिक्स का थर्टी सिक्स पच्चीस का सिक्स टू फाइव अब देखिए मल्टीप्लाई किसकी करनी पच्चीस इंटू छी फाइव इंटू सिक्स और पेड़ पे बैठा पीला कौवा तो ट्वेंटी डेढ़ सौ इंटू दो तीन सौ आप जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा सिक्स थ्री फाइव फाइव सिक्स डबल फाइव थ्री सिक्स अगेन आई थिंक समृद्धि ने से, फिर से आंसर दिया चलिए आज का जो हमारा सफर है यही तक है इसी तरह आप लोग रेगुलर जुड़े कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा आज के लिए इतना भाई धन्यवाद